Yeah.
की श्रीमद भागवत महापुराण की गुरु सुखदेव जी महाराज की गुरु व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीर्तास्ति कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदन जाहित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहि भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सभी पर हाथ उठा लो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे अजन्मा होते हुए भी
कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। कृष्ण सर्वप्रथम भगवान पुतना को वध किया है। बोले पुतना को क्यों वध किया सबसे पहले? बोले इसका नाम है पुतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं, जो पवित्र नहीं वो पुतना है। ठाकुर जी शिक्षा देना चाहते हैं, अगर मेरे को अपना हृदय में कोई बैठाना चाहते हो सबसे पहले ये पुतना को मारे। भगवान राम किसको मारे बोले तो सबसे पहले? हाँ ताड़का। ये माता जी सत्संग करती है इसलिए वो ताड़का को मारे हैं। समझना दोनों प्रभु करी करी एक ही लीला किए हैं। ये ताड़का का मतलब क्या है? बोले ताड़ा यति इति ताड़का, जीव को जो भगाए। जीव को कौन भगाता है? यही काम ही भगाता है, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही जीव को ही भगाती रहती है। इसलिए राम भी सिख्या दिया, मेरे को अगर हृदय में बैठना चाहते हो ये सब जितने अनर्थ है काम क्रोधों को इसको भी तुम नष्ट करो। इसलिए पूतना ये तीन अक्षर है और तारका ये भी तीन अक्षर है। पुतना वो स्त्री थी, तारका भी स्त्री थी, इसलिए दोनों प्रभु करी करी एक ही शिक्षा देते हैं। हृदय में मेरे को बैठाना तो हृदय से सारे गंदगी को दूर करो फिर मेरे को बैठा सकते हो। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भैया भक्ति करना है ना भगवान कृष्ण को भक्ति करो। बोले क्यों? बोले पुतना जब आई थी वो राक्षसी थी, फिर ये अपवित्र, फिर ये अविद्या पाप, ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर, स्तन में जहर लेकर के आई थी। लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु, वो जो केवल माँ के रूप धारण करके आई थी उसने थोड़ी सी नाटक केवल रचाई। बोले मैया यशोदे इतने सुंदर लाल को थोड़ी पल्ला में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उसने एक सेकंड के लिए कृष्ण को केवल पुत्र रूप में दर्शन कर ली। ठाकुर इसी सही उन्होंने गोलोक वृंदावन माँ की गति प्रदान कर दी ठाकुर जी। तब हमारे टीकाकार कहते हैं जो अपवित्र रहने वाली अगर ठाकुर उसको इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, सचमुच से ठाकुर के दरबार में थोड़ी सी कोई अच्छे कपड़ा पहन करके आ जाए, वो तो अपवित्र थी लेकिन कोई पवित्र बन करके आ जाए। बोले ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी उपहार रूप में? बोले 20 जहर, स्तन में जहर लेकर के आई थी। बोले अगर जो जहर लेकर के आई थी ठाकुर अगर गोलोक वृंदावन दे देंगे, अगर कोई ठाकुर जी के लिए पास में आए लेकिन थोड़ी सी भक्ति भाव से आए, नहीं तो उसके लिए एक फूल ले आए, एक फल ले आए, नहीं तो थोड़ी सी मक्खन मिश्री ले आए। हम आगे सुनेंगे सुदामा जी जब ठाकुर जी को पास में गए केवल दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे। ठाकुर जी दो मुठ्ठी चिड़वा खा करके त्रिभुवन का राज्य दे दिया हैं। ठाकुर जी इतने दयालु है, वो कौन थी? बोले राक्षसी थी। ठाकुर जी अगर राक्षसी को इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर उनका कोई प्यारे कोई भक्त आ जाए तो फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी क्या नहीं देंगे ठाकुर जी? इसलिए भगवान बड़ी दयालु। ठाकुर जी कहते गुण अवगुण प्रभु देखो ना का। ठाकुर जी किसी के अवगुण को ऊपर में ठाकुर का नजर नहीं रहता है। जैसे कि छोटा बच्चा है ना, अगर तोतली बोली से पापा पापा मामा माँ बोले, पिता माता कितने खुश हो जाते हैं। हम भी सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी सी करुणा ठाकुर जी हमारे लिए बहुत कुछ ठाकुर जी करते हैं। इसलिए कृष्ण सबसे पहले पुतना को मारे। जब शंकर जी को पता चला मेरे प्रभु जी गोकुल में नंद के लाला बन करके आया है, शंकर जी ने देखा प्रभु के सारे लीला मैंने दर्शन की लेकिन उनकी बाल गोपाल रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। इतने में शंकर भी बड़े श्रृंगार करके आते हैं। शंकर जी का श्रृंगार क्या है? हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी को तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, लेकिन इस शंकर जी का ऊपर का जो ड्रेस है ना बड़ा अपवित्र है। बताओ शंकर के शरीर में कोई स्नो पाउडर, शरीर में कोई क्रीम कोई लगाते हैं? नहीं लगाते हैं।
क्या लगाते हैं? भस्म बहुति लगाते हैं। कहां के? बोले पवित्र बहुत नहीं, बस शमशान की। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है शंकर जी गुरु है, शंकर जी ये आदि गुरु है, शिक्षा देते हैं। बोले भैया जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर के इतने बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते हो, उसका परिणाम क्या है? एक मुट्ठी राग है और कुछ नहीं। प्यार करना तो ये शरीर में ज्यादा आसक्ति मत रखो, इसलिए गले में हड्डी की माला है। बोले एक दिन ये शरीर का परिणाम दो टुकड़े हड्डी और कुछ नहीं। अगर प्यार करना तो ठाकुर को प्यार करो, ठाकुर जी को प्रेम करो, ठीक है ना। शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? कोई बढ़िया जुई बेली चमेली नहीं, धतूरे और आकर। जो फूल कोई लगाते नहीं, जो अपने आप जंगल जहरीले फूल है। कभी जितने सुंदर सुंदर फूल मेरे प्रभु के लिए, कृष्ण राम के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ। मेरे प्रभु जिस चीज को नहीं ग्रहण करते हैं, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। इसलिए शंकर जी कोई चंदन नहीं लगाते। शंकर जी बोले चंदन तो बाकी भी हरि के लिए, प्रभु राम के लिए है। इसलिए शंकर जी का अलंकार किया, कोई सोने चांदी नहीं, गले में भी सर्प, हाथों में भी सर्प, कमर में भी सर्प है, वो साफ ही साफ है। कभी ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत देव, ये शंकर जी की गुरु है। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करना, जिससे हमारी संसार की बंधन हमारी समाप्त हो जाए। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, संत है, इसलिए वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके अपने आप को। बोले क्यों? बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु है। बता सकते हो ना? शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी को पास में, इसलिए वो अपने आप को कहीं छुपा नहीं सके। क्या है शंकर जी के पास में? हाँ, गंगा है, ठीक है ना। इसलिए उनको जटा में कौन है? पतित पावन श्री गंगा मैया की। हाँ, इसलिए सबसे पवित्र वस्तु श्री शंकर जी के पास में। इसलिए शंकर जी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जो पुतना आई थी ना, नंद बाबा गए हुए थे वृंदा मथुरा में कंस को कर देने के लिए, लेकिन जब वो आकर के देखा, पुतना तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, लेकिन निकली वो राक्षसी। नंद बाबा ने कह दिया, खबरदार एरे गरे व्यक्तियों को अंदर में घुसने मत दिया करना। इतने में श्री शंकर जी आ गए, बड़े कड़ी पहरादार लगा दिए, और शंकर जी को तो जटा जूट धारण किए हुए हैं, उसको देख करके जो दरबार थी ना वो घबरा गई। बोले बाबा कहा बात है? बोले मैंने सुना नंद जी के एक लाला भयो है, दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है? कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, वैसे तो बड़े सुंदर बन करके आई थी, लेकिन निकली पुतना, लेकिन तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरे जी घबरा रहा है। भैया लाला को दर्शन नहीं होगा, सोने चांदी हीरे जवाहरात तो जो लेना लो और अपना रास्ता देखो। इतने में जाकर के मैया को बोल दिए, सचमुच से मैया आकर के शंकर जी को देखकर तो डर गए। बोले बाबा कहा बात है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा तू देखने में बेच लग रहे हो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, निकली राक्षसी, कुछ नहीं मिल, दर्शन फर्शन नहीं होगा, मेरे लाला डर जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है मेरे लाला को। मैया तो लाला को लेकर के कोने में छुपा दी, और शंकर जी त्रिशूल गाड़ करके वहीं पर बैठ गए। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना हटने वाले नहीं। जानते हो कितने दिन तक शंकर जी बैठे? बोले 3 दिन तक बैठे। अभी भी एक जोगिया कुंड है जहाँ पर शंकर जी जोगिया बनकर बैठे थे। अगर आप नंदगांव जाओगे ना, अभी भी वो जोगिया कुंड, अभी भी शंकर वहीं पर बैठे हैं। इतने में शंकर जी प्रभु को ध्यान लगाए, बोले प्रभु आपको तो सारे लीला में दर्शन किए, सारे अवतार, लेकिन आपका बाल गोपाल रूप हमने नहीं देखा, प्रभु थोड़ी सी दर्शन दे दो। अभी कृष्णा शंकर जी को दर्शन देने के लिए जोर जोर से रोने लग गए। मैया जितने थपथपी लगाई, कृष्ण उतनी जोर जोर से रोए, पूरा परिवार तंग हो गए। बोले क्या हो गया लाला को, आज रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने कहा, मैया
वो जो बाबा है ना वो चुपचाप वही आंख बंद करके बैठा हुआ, वो कहता है लाला दर्शन किए बगैर यहां से जाने वाला मैं नहीं हूं। फिर भैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी गले में, काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से लाला को लेकर के आए। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, ले लाला को दर्शन कर। जब शंकर जी को एक झलक दर्शन कराए ना, शंकर तो खिलखिले करके हंसने लग गए, और जो कृष्ण कृष्ण हंसने लग गए, और शंकर जी रोने लग गए। मैया समझ गई कि बाबा कुछ जानता है, लाला तो अभी तक रो रहा था लेकिन इसको दर्शन करने पर हंसने लग गया और शंकर जी रोने लग गए, मतलब लाला का रोना तो ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, ये जरूर कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जानता है, जादू टोना हाथ देखना देना सब घेर जाएंगे। बोले बाबा मेरे हाथ था देख लो, बाबा मेरे हाथ देख लो, अभी शंकर जी को सबके सब घेर गए शंकर जी को। बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता कि ना? बोले हाँ। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी से जल्दी नजर लग जाती है, कोई जादू टोना है? बोले एक काम कराओगे ना कभी ये जादू टोना नहीं लगे। बोले बताओ। बोले जब जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे, वो स्नान का जो पानी मैं यहीं पर बैठूंगा और वो पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा कर लो। बोले और कुछ करना पड़ेगा? ध्यान देकर सुनो, इसमें बहुत सारी चीज सीखा है। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले एक काम करोगे तो कभी नजर लगेगा नहीं। बोले बता दे। बोले जब लाला को खाना खिलाओगे वो प्लेट में जो बच जाएगी वो प्रसाद ला करके मेरे को दे देना। एक दो काम कर दे लाला को कोई नजर नहीं लगेगा। देखो ये जो लीला है ना 5,500 साल की बात है। अगर अभी आप नंदगांव जाओगे ना, देखोगे भगवान को जहाँ स्नान कराया जाता है वहां से एक नाली सिताई है, और वो जो पर्वत है वो स्वयं शंकर है, नंदीश्वर महादेव है वहाँ शंकर जी। वो नाली सीधा शंकर जी को सर पर आई। जब भगवान को स्नान कराया जाता है वो पानी शंकर जी के सर पर आकर गिरता है। शंकर जी के सर पर गंगा है ना, ये गंगा कौन है? जिस समय भगवान वामन देव ने एक चरण को ऊपर बढ़ाया, जब वो चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी वामन देव का चरण को धो करके उन्होंने अपना कमंडल में रखा था, वही गंगा है। ये ठाकुर जी की चरणा करता है, इसलिए शंकर जी को देखना कांवर लोग लेकर के जाते हैं ना गंगा पानी। बोले क्यों? शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न किस चीज में? किस चीज में? भगवान की गंगा, भगवान की चरणा मिलता है, ये गंगा ठाकुर जी की चरणा मिलता है, ठीक है ना? इसलिए और उससे सबसे ज्यादा प्यारा किया ठाकुर जी की प्रसाद, भगवान का प्रसाद शंकर जी को भोग लगाओ। शंकर जी को कोई चीज डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, शंकर जी को कोई चीज डायरेक्ट, हनुमान को भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं सवा मन लड्डू बनाइए और हनुमान को मुंह मल कर ठोस करके खाओ। क्या हनुमान जी भूखे हैं तेरे चीज के खा लेंगे? नहीं, सवा मन के ऊपर मन लड्डू भी हनुमान को सामने रखो, वो उस तरफ में वो देखेंगे भी नहीं। लेकिन हनुमान जी कब खाएंगे? आप लोग ने राम दरबार देखे हो? जब राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? चरण में बैठे। जब तक भगवान राम को कोई चीज नहीं खिलाया जाए, माँ जानकी नहीं खाते हैं, जितने हनुमान को दे दो उस तरफ में वो देखे भी नहीं। लेकिन अगर राम के भोग लग गया, माता सीता की देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा लेंगे। उसी तरह शंकर जी ये वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी, क्योंकि हर लीला में शंकर जी आते हैं। जब भगवान राम बन करके आए, बताओ तो हनुमान जी ये शंकर जी क्या बन करके आए थे? इसलिए उसी समय स्वयं शंकर जी ये हनुमान जी बन करके आए, श्री हनुमान जी बन करके आए हैं। इसलिए हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर जी है ये, और कोई नहीं, स्वयं शंकर जी है। जब कृष्ण अवतार में आए, शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए, शंकर जी गोपीश्वर बन करके प्रभु की
रास दर्शन करने के लिए आए हैं। इसलिए हर अवतार में शंकर जी किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा के लिए ठाकुर जी भी आते हैं, ठीक है ना। देखो आप एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, हर साल तो सुनाता हूँ, इसको अच्छे तरह से समझ लो। अगर इतने बात को अच्छे तरह से समझ जाओगे ना, एक अच्छी बात को समझोगे, फिर तुम्हारी दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। हम लोग हिंदू है ना, कभी इसी देवता को पूजा कर लिया, नहीं हुआ तो उसी देवता को, नहीं हुआ तो तीसरी बाबा को, नहीं तो चौथे माँ को, बोले वहां पर कोई माँ निकली है, इधर उधर हम भटकते हैं। अच्छे तरह से इस कथा को सुना। एक दिन श्री नारद जी उनने सुना है, अगर कोई भगवान का प्रसाद को पाए, भगवान नारायण की प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद को एक बार पा ले, वो जीव जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको छुटकारा मिल जाती है। एक दिन श्री नारद जी भगवान नारायण के पास में आए, ध्यान देकर सुनो कथा को और अच्छे तरह से दिमाग में बैठे, बोले प्रभु थोड़ी सी आपका प्रसाद मिलेगा। बोले देखो नारद, ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता हूँ, ये लक्ष्मी दे सकती है, क्योंकि वही मेरे लिए खाना बनाती है। खाने का बाद फिर वो क्या करते नहीं करते मेरे को पता नहीं, लक्ष्मी को पास में जाओ। नारद जी लक्ष्मी को पास में गए, बोले माता जी थोड़ी सी ठाकुर जी की प्रसाद दो। मैया तो नाराज हो गई, बोले तू बीच में कहाँ टपक पड़ा, इतने कष्ट करके मैं प्रभु जी के लिए प्रसाद बनाता हूँ, प्रभु जी जो कुछ छोड़ देते हैं प्लेट में उसको खा करके मैं जीविका निर्वाह करती हूँ, तू बीच से कहाँ से टपक पड़ा, प्रसाद प्रसाद नहीं मिलवा गई यहाँ से। नारद जी फिर गिड़गिड़ाते हुए नारायण के पास में, देखो ठाकुर का प्रसाद का कितना महिमा, फिर गिड़गिड़ाते हुए प्रभु नारायण के पास में आए, बोले प्रभु मैया तो मेरे को डांट लगा कर भगा दी। भगवान ने कहा एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, तुमको एक गोपनीय बात बताता हूँ, मेरी मंदिर को पीछे एक कुआ है, वो ऊपर में एक ढक्कन से ढका हुआ है, तुम उसको ढक्कन को खोल करके उसमें स्नान करना, स्नान करते ही तुम्हारी ये नारद स्वरूप बदल जाएगा, एक सुंदर गोपी रूप धारण करोगे, वह रूप को लेकर के नारायण को लक्ष्मी को पास में जाना, उनकी चरण की सेवा तुम मांगना, और इतने सेवा करना तुम जैसे मैया कुछ दिए बगैर जैसे रह ही नहीं सकती। फिर जा करके जब वो मांगने बोलेगी, फिर इनको तीन बार कसम खिलाना, अगर प्रसाद मांगोगे ना तभी प्रसाद मिलेगा। नारद जी माँ लक्ष्मी की सेवा कितने हजार साल तक की, और इतने सेवा की, लक्ष्मी बोली भैया अभी तक तो बहुत दासियां आई है लेकिन इतने सेवा करने वाले कोई नहीं आई। अब देखना, अगर पत्नी को पति को कुछ मांगना है ना, क्या करते हो आप लोग, कुछ ज्यादा दिखाना पड़ता है, वो ज्यादा कुछ करना पड़ता है, ज्यादा सेवा करना पड़ता है, तब पति को पता चल जाता भैया दाल में कुछ काला है, आज इतने मीठी मीठी बात क्यों कर रही है, ज्यादा प्यार क्यों कर रही है, वो समझ जाते कि कुछ मांगने वाली है, कुछ मांगने वाली, तभी ये ज्यादा सेवा कर रही है। अभी उसने इतने सेवा की, मैया तो रीझ गई, बस तेरे जैसे सेविका अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं, बताओ तुमको क्या चाहिए, बोला आप तीन बार कसम खाओ फिर मैं मांगूंगी। मैया तीन बार कसम खाई, तब उन्होंने बोले थोड़ी सी मुझे ठाकुर का प्रसाद दे दो। लक्ष्मी बोली तू सही सही बता, तू एक है, लगता है तेरी असली रूप नहीं है, तू नकली रूप है, क्योंकि इतने साल से तुम सेवा कर रही थी और इतने फिर मांगती क्या प्रसाद, क्योंकि प्रभु का प्रसाद की महिमा दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, बोले तुम बताओ तुम असली है कौन। इतने में श्री नारद जी स्वयं प्रकट हुए, बोले श्री नारद बाबा की, बोले हाँ तुमने पहले प्रसाद के लिए आया था ना, बोले हाँ, बोले तेरे कोई रास्ता किसने बताया, बोले प्रभु ने बताया। मैया तो संकल्प कर चुकी थी जब ठाकुर जी प्रसाद पाए, पर दाल भात चावल मिला करके माँ लक्ष्मी श्री नारद जी को हाथ में दिए, देते ही नारद इतने प्रसन्न हो गए, बिना बजाते बजाते नाचते नाचते कैलाश में पहुंचे। शंकर जी वहां पर ध्यान में बैठे हुए थे, देखा नारद जी, यद्यपि नारद में आनंद है लेकिन आज कोई एक अलग आनंद दिख रहा था,
बोले नारद जी क्या बात है, आज इतने उछल कूद रहे क्यों? बोले ठाकुर जी की मेरे को प्रसाद मिला है। नारद श्री शंकर जी ने कहा देखो जो प्रसाद है ना बांट करके खाने चाहिए तभी वैकुंठ जाते हैं। मेरे लिए कुछ प्रसाद रखा कि नहीं? बोले प्रभु कितने हजार साल के बाद में माता जी ने थोड़ी सी प्रसाद दी। बोले देखो ना तुम्हारे हाथ में थोड़ी लगा हुआ होगा, सचमुच से एक अन्न का दाना लगा हुआ था। नारद श्री शंकर जी एक अन्न का दाना खाए, तांडव नृत्य शुरू कर दी। अभी कैलाश डगमगाने लग गई, मैया पार्वती थी। बोले क्या बात है आज श्री प्रभु जी नारद जी इतने आनंद में क्यों नृत्य कर रहे हैं? मैया पार्वती बोली प्रभु क्या बात आज इतने प्रसन्न क्यों? बोले लक्ष्मी आज मेरे को भगवान की प्रसाद मिला है। पार्वती बोली प्रभु मैं अर्धांगिनी हूँ, पति को जो कुछ मिलता है उसमें आधा हिस्सा पत्नी की होती है, मेरे लिए रखा कि नहीं? बोला अरे यही किनका था। बोले जो कुछ हो मेरे लिए आपको आधा रखना चाहिए। नारद जी बड़े स्वार्थी बने, उसको मिला तो अकेले खा लिया, आपको भी एक किनका मिला आप भी खा लिए। पार्वती ने कहा मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं ये कैलाश छोड़ करके मरते जगत में श्री जगन्नाथ जी, कल जो जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन किया है ना, बोले श्री जगन्नाथ पुरी में जाऊंगी। जब भगवान को भोग लगेगा, मैं माँ है ना, मैया क्या करते अकेला करती है खाना बना करके, पहले पति को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, परिवार को खिला करके फिर माता क्या करती है वो लास्ट में खाती, वो माँ है ना। इसलिए पहले बोले तुम्हारी जैसे स्वार्थी नहीं बनूंगी, मैं सारा दुनिया को ये प्रसाद मिलाऊंगी। इसलिए बोले जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, इसलिए माता पार्वती कैलाश छोड़ करके इसे मर्त जगत में आई। जगन्नाथपुरी गए, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? गए हो जगन्नाथपुरी, और कौन कौन? बाबा ने दो दो हाथ उठा रहे। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, वहां पर सब जगह में देखना प्रसाद है, लेकिन केवल जगन्नाथपुरी में जाओगे कोई प्रसाद नहीं कहते, कहते महा महा प्रसाद है। बोले क्यों? बोले जब कोई चीज भगवान को भोग लगे, वो प्रसाद जब किसी भक्तों को भोग लगता है वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद की ज्यादा महिमा हो जाता है। इसलिए आप लोग कल जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुई है, कभी अगर जगन्नाथपुरी जाओगे बताओ कौन जाना चाहता है? आप सबको ले जाएंगे। देखो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, इस बार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहो, थोड़ी थोड़ी पैसा है ना, थोड़ी थोड़ी पैसा पति जो पैसा खर्चा के लिए देते हैं, थोड़ी सा हाथ खर्चा के लिए तो मिलता होगा ना, उसको थोड़ी थोड़ी जमा करते रहो, ठीक है? जब अगली बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा आएगी, यहाँ पर तो दर्शन किया, पृथ्वी का सबसे बड़ा रथ यात्रा है, इतना बड़ा महोत्सव, इतने लोग आप जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जो उत्सव है वो जगन्नाथ की रथ यात्रा है। वहां पर जाओगे ना बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करोगे, सारा दुनिया में देखोगे ठाकुर जी खड़े होते रहते हैं, ठाकुर जी खड़े हुए, लेकिन वहीं पर देखोगे एक ठाकुर कृष्ण जो बैठे हुए हैं। बोले क्यों? बोले कोई एक भक्त था, जब वो वृद्ध हो गए उनसे जब सेवा नहीं हो पाई, बोले प्रभु मेरे से और सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई दूसरे सेवक को ढूंढ लो। बोले तुमको छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगा, मैं बैठ जाता हूँ। देखोगे ठाकुर जी वहीं पर बैठे, वहां पर आप देखोगे साखी गोपाल, भगवान कृष्ण स्वयं साखी देने के लिए ये वृंदावन से चलते 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 जगन्नाथपुरी तक गए। इसलिए वो ठाकुर जी देखोगे वहां पर एक ठाकुर चलते चलते साखी गोपाल वहां तक पहुंचे, इसलिए वो ठाकुर जी का नाम पड़ गया साखी गोपाल। एक ठाकुर जी वहां पर अद्भुत अद्भुत चीज देखोगे, एक पिताजी कहीं बाहर जाना पड़ा, पत्नी को बोला तू भोग लगा लेना, उनकी पत्नी ने रोटी सब्जी भोग खीर भोग लगाए, उसको छोटे बेटे को बोला जा ठाकुर को भोग लगा कर खा जा, वो खीर था बड़े गर्म गर्म है। इतने में ठाकुर जी जब हाथ लगा करके मुंह में डालने लगे, ठाकुर की देखो क्या हाथ फुफला पड़ गया, ठाकुर जी फुफला पड़ा हुआ, जब मुंह में लगाए वो मुंह भी फुफला पड़ गई, वो खीर छाती के ऊपर में गिरी तो छाती भी फुफला पड़ा हुआ देखोगे वो ठाकुर जी की।
वो जो ठाकुर सत्य युग का ठाकुर ब्रह्मा जी ने, वो ठाकुर जी को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अब डायरेक्ट रूप देखोगे, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। अब वहां जाकर देखोगे ना, ऐसे ऐसे ठाकुर देखोगे जो जिंदगी में देखे नहीं। वो जो ठाकुर जी आप देखोगे, उसको पिताजी गए, फिर कथा आती है, उसको पिताजी बाहर गए, बच्चा गया ठाकुर को सामने प्लेट रख दिया, छोटा बच्चा, बोले ठाकुर जी आओ बैठो और खाना खाओ। वो बच्चा सोचता था जैसे हम बैठ कर खाना खाते हैं, ठाकुर जी भी बैठ कर खाना खाएंगे। लेकिन देखा ठाकुर जी खाना ही नहीं खा रहे, बोले आप क्या मेरे से नाराज हो, पिताजी बाहर गए हुए, लगता है मेरे को मंत्र फंत्र आता नहीं ना, इसलिए आप खाना नहीं। ठाकुर जी बैठो खाना खाओ, लेकिन तब भी ठाकुर खाना नहीं खाए। लेकिन वो जो बच्चा रोने लग गया, पिताजी मेरे को डांट लगाएंगे नहीं खाओगे, तो ठाकुर जी बैठ करके सारे खाना खा लिए। अभी खाली प्लेट लेकर के माता जी को पास में गए, माता जी ने पूछा बेटा खाना कहाँ है, बोले ठाकुर जी खा लिए ना। मैया ने सोचा ऐसे होगा, छोटा बेटा खा लिया कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी दिया जा भोग लगा कर गया। वो दूसरे दिन भी खाली प्लेट लेकर गया, बोले बेटा खाना खाए, बोले ठाकुर तो खा लिए, ठाकुर जी पहले खा नहीं रह गई, वे जो रोने लग गए ठाकुर जी खा लिए। मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, बोले ये क्या बात है। जब उसको पिताजी आए, पत्नी ने ये सारी बात को बताई, पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिता ये चीज को देखने के लिए पीछे जाकर छुप करके बैठे गए, क्या सचमुच से ठाकुर खा लेते हैं। जब उसने भोग लगाया, बच्चे को पता नहीं, पिता पीछे छुप करके बैठे हुए, बोले ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। लेकिन ठाकुर जी आज खाना ही नहीं खा रहे हैं, बच्चा रोने लग गया, बोले रोज तो खाते थे, आज क्यों खाना नहीं खा रहे हो। ठाकुर जी स्वयं बोले, बोले देख बेटा तेरी सरलता का देख करके मैं खाना खाता था, तेरे जो पीछा है पिताजी मेरे पीछे छुप करके बैठे हुए, तेरे पिताजी छुप करके बैठे हुए, उसको सामने में नहीं खाना खा, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। इसलिए वहां पर अद्भुत अद्भुत ठाकुर को दर्शन करोगे, अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी। इसलिए एक बार श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करनी चाहिए। जाओगे? कौन कौन जाओगे? अभी से थोड़ी 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 पैसा को जमा करते रहो। ये आषाढ़ महीना में ये रथ यात्रा आती है, यहाँ से जब चलेंगे, हमारे भक्त लोग भी जाते हैं, पहले से टिकट बना लेना। एक बार पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा चार धाम में, पूरी एक धाम है, फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन करके आओगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़े सुंदर समुद्र किनारा है, खूब समुद्र में नहाओगे, ठाकुर का दर्शन करोगे, खूब बढ़िया बढ़िया जगह देखोगे, एकदम नई नई जगह देखोगे वहाँ पर। ठीक है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर वहीं जाकर के आप दर्शन करोगे कि जो विमला देवी, जो माता जी, जो पार्वती, जैसे उनको बहान पीठ है, माता जी की जो चरण है, वो मंदिर में माता जी की चरण गिरी हुई है, वो विमला देवी है। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो प्रसाद सबसे पहले वो विमला देवी, मतलब माता पार्वती कहाँ दिखाएगी, वो बोल करके आई कि सारा दुनिया को मैं लुटाऊंगी। आप देखो तो हजार हजार लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं, ठाकुर जी के प्रसाद को खा रहे हैं। देखो ये यहाँ से एक चीज सीख करके जाओ, कोई भी वस्तु हनुमान जी को भोग डायरेक्ट नहीं लगाना, माता जी को भी कोई चीज भोग नहीं लगानी डायरेक्ट, शंकर जी को भी कोई चीज डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले कृष्ण को लगाओ, नहीं तो राम हो तो उनको लगाओ, नहीं तो नारायण हो इनको लगाओ सबसे पहले, फिर वो प्रसाद को फिर आप शंकर जी को दो, माता जी को दो, हनुमान जी को दो, गणेश जी को दो, वो बड़ी प्रसन्न होकर खाना खाते हैं। क्यों? ये विश्व ब्रह्मांड में जो 33 करोड़ देवता है, ये सब के सब भगवान के सेवक हैं। इसलिए बोले ब्रह्मा शंभु रमा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन तथगामी भवति मे।
जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद इस 33 करोड़ देवता जिनकी चरण की सेवा करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्ण भी घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। गोपियां रोज रोज आकर के मैया को नालिसी करते, बोले देखो मैया तेरे जो लाला है ना रोज घर घर में मक्खन चुराती है। ए बच्चे इसको गुब्बारा लेकर बाहर जाओ। इसलिए रोज रोज गोपियां शिकायत करती हैं। एक दिन मैया ने बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन होगा। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ तेरे को कौन बेटी देगा। ब्रज में पूरा हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करता है, बताओ चोर को कोई बेटी देगी। कुंवारा के कुंवार रह जाओगे, साधु बाधी तेरी कुछ नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। मैया कहती है मेरी शादी नहीं हुई। देखना दुनिया में जो कुछ करते हैं ना सब शादी के लिए। इतने लिखाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, सब शादी के लिए। नौकरी चाकरी क्यों कर रहे हैं, शादी के लिए। दुकान वकान क्यों बनाते हैं, शादी। सब जो कुछ कर रहे हैं ना सब शादी के लिए। घर में एक बहू आ जाए घर में, सब शादी के लिए सारे काम करते हैं। और कृष्ण ने कहा मैया बोले मेरे को कोई लड़की नहीं देगा, मेरे कोई लड़की नहीं देगा। कृष्ण ने देखा मैया को ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना जैसे मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन नहीं चोरी करता हूँ। क्या कृष्ण एग्जाम्पल देते हैं देखो। बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, रात भर तेरे गोद में सोता रहा कि नहीं। बोले हाँ। बोले बता घर मैंने कब मक्खन चोरी की, बता मैंने कब मक्खन चोरी की। फिर कृष्ण कहते हैं ए बच्चों ये बच्चों को गुब्बारा देकर के पीछे भेज दो, पीछे जाओ सबके सब बच्चे जिन गुब्बारा सब पीछे जाओ। इसलिए बोले बताओ मैंने फिर मक्खन चोरी कब की। कहते मैं बालक बही अन्य का छोटो कहीं विधि छिका पायो। बोले मैया मक्खन तो छिके के ऊपर रखते ना। बोले हाँ। बोले इतने से मैं 4-5 साल का बालक हूँ, बता मेरे हाथ कैसे वहां पर पहुंचा। मैया ने कहा तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया क्या बताऊं, ये जो सखा लोग है ना बड़ा बदमाशी है, खूब तो मक्खन खाते नहीं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में ना मक्खन को लगा देते हैं और मेरे को चोर बना देते हैं। लगता है मैया मेरे तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके कहीं फेंक करके चली गई थी और तुमने मेरे को उठा करके लाए और मेरे को पालन कर रहे हो, क्योंकि दुनिया कहते मैं मक्खन चोर तू भी कहती हो। बस इतना बोलते ही मैया का हृदय तो पानी पानी हो गया। फिर इतने में मैया ने कन्या को फिर गोद में भर लेती है। बोले नहीं लाला तुमने मक्खन नहीं चुराए। कृष्ण फिर भक्त को बदला देते हैं। बोले मैया मोरी
महीने माखन खायो सुन मैया महीने माखन खायो हरे कृष्ण बदला देते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण मक्खन चोरी की। अभी प्रश्न है, अरे भगवान हो करके चोरी कौन करता है बताओ, जो गरीबी हो। लेकिन भगवान तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, फिर वो चोरी किस चीज की करेंगे? वो मक्खन चोरी नहीं करते थे? बोले क्या चोरी करते थे, क्यों घर घर में जाते थे, कारण क्या? बोले कारण जब मैया जसोदा कृष्ण को गोद में स्तन पान कराती है, उनको मक्खन खिलाती है ना, ये गोपियों का हृदय में भी भावना होता है, क्या कन्हैया हमारा घर में कभी आएगा, हम भी कभी कृष्ण को मक्खन खिला पाओगे। इसलिए कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए जाते थे और उनके हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे, इसलिए इसका नाम है मक्खन। मक्खन का मतलब क्या? बोले मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किसकी किस चीज की चोरी करते हैं? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं, ठाकुर जी उसके हृदय को चोरी करते हैं। बोले भैया काम क्रोध किसके हृदय में नहीं? बोले संतों के हृदय में। बोले संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये ब्रजवासी, ये ब्रज गोपियां सबसे बड़े संत हैं। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति भी गोपी स्वयं बन करके प्रभु की रास देखने के लिए आते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी वो भी वहाँ की पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, नारद जैसे व्यक्ति भी वहाँ पर घास होकर के वहाँ पर वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए गोपियां सबसे बड़े उनकी भक्त है, इसलिए इनका नाम गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को निरंतर जो पीती रहती है, ये कौन है? ये गोपियां। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी नहीं, गोपियों को हृदय चोरी करने के लिए जाते हैं। हाँ हृदय, इसलिए एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए, आप भी अच्छे तरह से समझो कृष्ण ये मक्खन क्यों चोरी करते, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या तात्पर्य है? आप लोग घर में मक्खन बनाते हो? कौन कौन बनाते हो मक्खन? किसने बनाया जीवन में? हाँ सबके सब मक्खन बनाती हो। ये मक्खन बनती है कैसे देखो, पहले दूध लाओ, दूध को फिर गर्म करो। बोले गर्म करना मतलब क्या? बोले जब किसी के हृदय में भगवत प्राप्ति को उत्कंठा हो, ठाकुर जी मेरे को मिले कैसे, ठाकुर जी मेरे को मिलेंगे कैसे, हृदय में जो उत्कंठा, यही दूध को गर्म करना। अभी दूध गर्म हो गया, फिर उसको बाद में फिर जमन डालना, लेकिन जमन ज्यादा होगा ना फिर खट्टा हो जाएगा, परिमाण जमन होनी चाहिए। हैं कहते भैया ये जमन किया है? बोले जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति को उत्कंठा हो, फिर भगवत इच्छा से हमें सदगुरु मिलते हैं, वो सदगुरु हमें जो मंत्र देते हैं, जैसे कृष्ण मंत्र, राम का, राधा जी के मंत्र देते हैं, कदि ये मंत्र हो गया जमन, अभी दही जम गई, फिर दही जम गई तो फिर क्या करोगे, उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन क्या है? बोले गुरु जी से तो माला ले लिया हरिनाम करने के लिए, अगर माला को अगर जहाँ तहाँ लटका दो क्या भगवान मिल जाएंगे? उसके बाद में मंथन करना पड़ेगा, माला जप करना पड़ेगा। हाँ माला तो हमें जब करना पड़ेगा माला को, इसलिए बोले अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले देखो कितना जन्म से हम पाप कर्म करते करते आए, करोड़ों करोड़ों जन्म से हैं, हृदय में जो किरायादार बैठा हुआ ना, करोड़ों साल से वो किरायादार बैठा हुआ है, वो इतने आसानी से जाने वाले नहीं, उसको साथ में केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, तभी जाकर किसी तरह से भागने वाले। इतना दिन से जो किरायादार बैठे हुए काम करो तो तुम एक साल जब करके, दो साल जब करके हुआ ही नहीं, उसके लिए साधन करना पड़ेगा, जो साधन करना है इसको कहते मंथन करना। जो एक छोटी सी कथा सुना, एक समय एक बंदर ने किसी बाग में आम खा रहा था, इतने में जो वहाँ के माली था ना,
उसने उठाया एक पत्थर और मारे बंदर को। बंदर को जोर से लगा, जोर से लगा तो इतने में वो बंदर को बड़ा क्रोध आया। बोले एक आम खाने के लिए गया, इतना पत्थर मारे, इतना बड़ा पत्थर मारे, अभी उसको बाग में और खाने नहीं जाऊंगा, अभी मैं स्वयं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगा करके और मैं आम फलेगा खाऊंगा। उसने वो गुठली को लेकर गया, गुठली को लेकर गाड़ दिया, गाड़ करके मिट्टी ढक दिया, पानी दे करके बैठ गया। 10 मिनट बाद में खोदा, कुछ हुआ ही नहीं। फिर मिट्टी ढक दिया, 1 घंटा तक बैठा, फिर देखा तब भी कुछ नहीं, बोले अभी भी नहीं हो रहा है। फिर मिट्टी ढक दिया, फिर पानी दिया, फिर 1 दिन बाद में देखा, बोले कुछ ही नहीं हुआ। इतनी जल्दी वृक्ष हो जाएगी, इतनी जल्दी वृक्ष हो जाएगी। हमारे गुरु जी और एक कथा सुनाते थे, ध्यान देकर कथा सुनो। एक समय एक गुरु जी दो चेले को 2 गुठली दिए आम की, बोले देख बेटा अगर ये गुठली लगाओगे ना बड़ी सुंदर वृक्ष होगा, तुम्हारी घर में छाया भी देगी, सुंदर सुंदर आम का फल भी आएगा, जिसको तुम खा भी सकते हो और जिसको तुम बिजनेस में भी लगा पी पी सकते हो, तुम्हारे संसार भी चलेगा। वो लेकर गया आम को, घर को सामने गाड़ दिया, गाड़ करके उन्होंने 2 चलाते, 2 चेले को उन्होंने 2 गुठली दिए। पहला चेला तो लेकर के देखा कुछ नहीं हुआ, 1 दिन में देखा कुछ नहीं, 2 दिन में पानी दे करके ढक दिया, 2 दिन में कुछ नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं हुआ। बोले गुरु जी मेरे को ठक दिया। वो गुठली लेकर गया और गुठली को गुरु जी को मुंह में जोर से मारे। बोले गुरु जी पेड़ होगा, फल आएगा, छाया देगा, बिजनेस होगा, मैं 3 दिन तक देखा कुछ ही नहीं हुआ, बेकार आप तो मेरे को ठग दिए। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे गुरु जी कथा सुनाया करते थे, उनने दूसरे चेले को भी दिया गुठली। गुरु जी के वाक्यों के ऊपर उसने विश्वास करते हुए उसने घर के सामने वो गुठली को गाड़ दिया, गाड़ करके उसमें पानी डाल दिया। सचमुच से जब 10 दिन हो गया ना, 10 दिन बाद में देखा सचमुच उससे अंकुर आया, बड़ा आनंद मिला। गुरु जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। जब 1 महीना हो गया ना, उसमें थोड़ी सी 2 पत्ते बाहर निकले, उसको और भी आनंद आया, भैया गुरु जी सही बोल रहे थे। हैं? जब 1 साल हो गया ना, देखा सचमुच से सुंदर एक वृक्ष हो गया, और भी आनंद आया। जब 2 साल हो गई, देखा सचमुच से वो वृक्ष बढ़ते बढ़ते और थोड़ा बड़ा हो गया और वो आनंद आया। जब 3 साल में हुआ, सचमुच से घर के ऊपर छाया छाया कर दिया और 3 साल में बड़े सुंदर उसमें फूल आया और बड़े सुंदर उसमें आम आया। जब पहला आम पका है ना, इतने खुशी हुई है। गुरुदेव जो कुछ बता रहे थे सही बता रहे थे। उसका जो पहला फल था ना, उसको लेकर के उन्होंने श्री गुरु जी को अर्पण किया। बोले गुरु जी आपने जो बताया था सही बताया था, ये पहला फल को ले आप ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना खाना। देखो गुरु जी ने दोनों चेले को ही गुठली दिया और एक तो एक गुठली लेकर गुरु जी को ऊपर मारा और एक को बड़े सुंदर फल मिला। देखो इसका शिक्षा है, अगर हमने जो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, कहते ना जनम जनम मोनि जत न कराए, जनम जनम मोनि जत न कराए, जनम जनम मोनि जत न कराए, जनम जनम मोनि जत न कराए। आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये प्यार में क्या कह रहे हैं,
बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, एक जन्म नहीं बोले जन्म जन्मांतर तक जतने करने पर भी अंतराम कहीं आप बतनाए। अंतिम समय में प्रभु का राम आना कठिन है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तब अंतराम कहीं, तभी अंतिम समय में राम का नाम मुंह से निकलेगा। इसलिए भक्ति हमें बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। इसलिए प्रह्लाद महाराज बच्चों को कहते हैं, बोले बच्चों 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू करो। बोले हमने सुना रिटायर्ड लाइफ में भक्ति करते हैं, अब तो हम 5 साल के बच्चे पर तो लिखाई पढ़ाई करेंगे, उसको बाद में फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादी शुदा करेंगे, फिर बच्चे होंगे, जब बच्चों को लिखा पढ़ा सिखा करके उनको शादी शुदा दे करके एकदम कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर तो एक तो माला कर लेंगे। तुम अभी से क्यों कर रहे हो, अभी से क्यों? हम सोचते हैं जितना उम्र हो जाएगा ना बुढ़ापा अवस्था में शायद सारे काम निपट जाएगा, शायद हम भक्ति करेंगे। भैया इतने आसानी नहीं। इसलिए प्रह्लाद कहता है तुम बोलते हो बड़े होने पर भजन करोगे, बोले हाँ, बोले उसको पहले जो अगर उसको पहले अगर राम नाम सत्य हो जाता है फिर क्या करोगे? आप न्यूज पेपर पढ़ो कैसे कैसे लोग बैठ बैठ के हारा करते हो, कहीं गाड़ी हादसे भी हो गई, कहीं गाड़ी अगर उसको पहले हो गया तो कहते नहीं तो अगले जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, कि जो मानव शरीर ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं, ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं, सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों बचपन से जो चीज आदत डालोगे ना अंतिम में वही आदत आएगा, वही आदत आएगा। जैसे उदाहरण दिया, ध्यान देकर सुनो क्यों बचपन से भक्ति करनी चाहिए। जैसे कच्चा मिट्टी है, आप देखना कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना तो बना दोगे, लेकिन मिट्टी जब पक जाएगी फिर कुछ बनेगी नहीं। जैसे फूल जब खिला हुआ होता है ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, फूल जब मुरझा जाए फिर वो ठाकुर का चरण में चढ़ेगी नहीं। जब पौधा छोटा होता है ना उसको उखाड़ करके कहीं जमा दो जम जाएगी, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाए फिर पेड़ जिंदा होगी फिर नहीं होगा है। जैसे कागज जब कोरे कागज होना उसमें जो कुछ लिखना आप लिख सकते हो, जब कागज के ऊपर लिख जाता है उसको ऊपर दो बार फिर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। इसलिए प्रह्लाद ने बताया तुम कहते हो रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले सरकार रिटायर्ड क्यों करता है? जब देखता है अभी 8-8 घंटा बैठ करके काम करने का हिम्मत नहीं, अभी काम की नहीं, बोले चले जाओ जो कुछ होना हो जाओ, जाओ घर में जाओ, घर में जाकर बैठो। जब तुमको सारे काम से निकाल दिया गया फिर तुम प्रभु की भजन में क्या लगोगे? इसलिए ऋण में जो भरा हुआ होगा ना वही निकलेगा। देख लो आप भी स्वयं देख लो, समझो ठाकुर के सामने हम 10 मिनट बैठ कर याद करेंगे ठाकुर को, देखना 10 मिनट बैठो 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा तुम्हारी, 10 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगी। बोले क्यों? रील में जो भरा होगा ना वही तो निकलेगा ना, रील में जिंदगी भर कचड़े ही भरती है और सोचे कि भगवान भी याद आएगी, नहीं आ सकती है। अगर बचपन में जो चीज को संस्कार डालोगे वही ही जाकर के अंतिम समय में जाकर कहीं वही चीज निकलेगा। इसलिए प्रह्लाद महाराज कहते बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर दो, भगवान की भक्ति शुरू कर दो। बताओ मीरा कितने साल से भक्ति की? मीरा का नाम जानते हो? वो छोटी 5 साल की बेटी थी, कई शादी कोई एक दूल्हा शादी में जा रहा था, इतने में मीरा ने पूछा अपना मैया को, बोले मैया ये क्या है? बोले ये दूल्हा जा रहा है। बोले मेरे दूल्हा कहाँ है? बोले मेरी दूल्हा कहाँ है? उसकी मैया ने जो गोपाल था ना कृष्ण, बोले ये तेरे दूल्हा है। तब से मैया मीरा ने 5 साल उम्र में उन्हें कृष्ण को पति मान लिया। ध्रुव प्रह्लाद कितने उम्र में भजन के? 5 साल में। हनुमान जी तुलसीदास जी कोई भी बूढ़े होकर भजन नहीं किए। इसलिए प्रह्लाद कहता है बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, हैं? लेकिन हम क्या सोचते हैं सारे काम को निपटा करेंगे ना भजन करेंगे, फिर भैया तू स्वयं निपट जाओगे, तेरी काम कभी नहीं निपटेगा। हम सोचते हैं
साथ बेटा का शादी हो जाए ना निपट जाएगा देखना। बल्कि शादी से पहले कहीं इधर उधर चली जाती थी, जब से घर में बहू आ गई ना, अगर एक नाती पोती हो गई, अगर तुम कहीं बाहर गई, अरे बहू ताना मार के तो पर घूमती रहती इधर उधर, बच्चे को पकड़ती नहीं, हाँ इधर उधर घूमती रहती, देखना वो ताना मारने लग जाएगी तुमको। अब देखना संसार में जितने आप उम्र होती जाएगी ना, उतना आसक्ति और उतना ही फंसते जाओगे, उतना ही फंसते जाओगे। इसलिए भागवत में बताया संसार ऐसे एक बील है, जो बील में एक बार फंस जाओ ना, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, मरने का पहले तक भी संसार से निकल नहीं सकते हो, ऐसे ही एक बील है। इसलिए भजन 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। इसे जिस देश में परिपेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस अवस्था में क्यों नहीं रहे, हर समय क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो। एक और हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 बल जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 दधि मंथन करना मतलब क्या है, गुरुजी ने जो हमें हरि नाम दिया है, जो माला दिया है, उसको ठीक ठीक से वो माला को चप चप, यही मंथन है। जब मंथन करे तो क्या निकलेगा बताओ, मक्खन, एक तरफ में छाछ दूसरे तरफ में मक्खन, अरे ये मक्खन क्या है, अरे प्रेम, भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम प्रकट होगा है। दूसरे तरफ में छाछ निकलेगा, एक तरफ में छाछ और एक तरफ में मक्खन निकलेगा। अगर मक्खन जब हृदय में प्रेम होना, मक्खन मतलब प्रेम, जब प्रेम हो फिर भगवान की आ करेंगे, दौड़ दौड़ करके भगवान आएंगे वो मक्खन को खाने के लिए। और वो मक्खन क्या है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भले संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी चोरी करने के लिए आते थे, यही मक्खन चोरी का तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राम। प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे, बुरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हर कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मैया मैया मैया।
यमुना जी में दीपदान कर रही हूं और तुम पगड़े और किनारे लगाते जाओ तो बाल कृष्ण प्रभु अपनी तोतली वाणी में लख टका की बात कही क्या कि ये बहते हुए को किनारे लगाना ये मेरे जन्म जन्म को धर्म है। क्या बोला बाल कृष्ण प्रभु ने कि बहते हुए को किनारे लगाना ये मेरे जन्म जन्म को धंधो है। तो मैया यशोदा बोली कि इस भव समुद्र में तो लाखों करोड़ों मतलब बह रहे हैं किस किस को पार लगाओगे। मैया यशोदा बोली इस भव रूपी समुद्र में लाखों करोड़ों प्राणी जो है बह रहे हैं किस किस को पार लगाओगे। बोले उसकी मुझे चिंता नहीं है जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए उसी को मैं पार लगाता हूं। इसलिए कहते हैं कि उपासनम यानी कि बहते बहते भजन करते करते जो प्रभु के सामने आ जाए उसी को पार लगाते हैं। इसलिए कहते हैं रोज मां के बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे तो सफल बस अच्छे लोगों ने पूछ लिया कि सुरदास जी आपको तो देखता नहीं है रोज दर्शन करने क्यों जाते हो। तो सुरदास जी ने क्या कहा कि मैं देख नहीं पाता हूं उससे कोई बात नहीं है लेकिन बाकी बिहारी तो मुझको देख ही लेते हैं और उनकी नजर जिन पर पड़ जाए कोटि कोटि जन्म का पाप भर लेते सन मुक्त होए जी कोई चले सन मुक्त होए
Yeah.
किस किस को हाथ पसंद है, और जो हाथ नहीं उठा रहे उनको माँ अच्छा नहीं लगता। सभी लोग हाथ उठाने पर, और हाथ उठा कर आज आठ दिन है, छह दिन आप लोगों को बहुत कष्ट दिया गया, आज आठ दिन है और हाथ उठा, और हाथ उठा कर क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं पड़ रहे, आज एकादशी तो नहीं है, क्या बोलना है? बाप रे इतनी धीमी आवाज। देखो मैं कभी कहा था कि पत्नी जब मायके जाती है क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, और जब पत्नी फिर वापस आ जाती है तो क्या है, नाग पंचमी। यानी कि झगड़ा करते समय तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, लेकिन अभी जय गरा में और राधे राधे में आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना है? राधे राधे। एक बार जोर से हाथ उठाए सभी लोग, और हाथ उठा के राधे राधे में आपकी झड़ी लगाना है। अरे क्या जगन्नाथ जी रथ यात्रा आप दर्शन कर रहे थे ना, वो जगन्नाथ पुरी से ये प्रभु जी आए हैं, जगन्नाथ पुरी से ये प्रभु जी आए। इनकी कभी कभी टीवी में कभी कभी इनकी कथा आती है, बहुत अच्छी कथा बोलते हैं प्रभु जी, इसलिए समझो आज हमारी भागवत कथा का कथा जी सार्थकता हो गया है। क्योंकि बीच में जब किसी संतों का, बीच में जब किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, ये समझो हमारा जीवन धन्य हो गया है। आप लोगों ने हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन नाम सुने हनुमान जी के? सब जानते हैं। जब श्री हनुमान जी लंका में माता सीता जी को ढूंढते ढूंढते गए, अभी सोच रहे हैं भैया उतरू तो उतरू कहाँ, ये चारी तरफ में तो नरभक्ष राक्षस राक्षस है। लेकिन हठात उन्होंने एक तुलसी की बाग देखा, बोले भैया ये रावणपुरी में ये तुलसी की बगीचा कहाँ से आ गया, ये तुलसी की बाग तो किसी संतों का दरबार होता है। इसलिए शंकर ये हनुमान जी केवल तुलसी की बाग को देख करके उतरे। इसका मतलब है अगर हमारे घर में तुलसी की बगीचा होना, श्री हनुमान जी उतर करके आ जाए। लेकिन जब उन्होंने उतरे, उन्होंने फिर देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ था? श्री राम। बोले अरे तो मेरे प्रभु का नाम है। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म में चिन्ह, बोले ये सारे को सारे मेरे प्रभु का लक्षण है। हाँ देखो अभी प्रश्न है कि रावणपुरी में फिर ये विभीषण, वहाँ विभीषण का घर था, फिर ये रावणपुरी में श्री राम का नाम उन्होंने फिर कैसे लिख दिया? ये रावण किस कुछ बताया नहीं उसको,
देखो एक चीज अच्छे तरह समझो, विभीषण एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। किसने जाकर के विभीषण को रावण को चुगली कर दिया, तू तो राम को अपना शत्रु मानते हो लेकिन तेरे घर में तो राम का सबसे बड़ा भक्त तो तेरे घर में बैठा हुआ। रावण ने कहा भैया कौन है, बोले तेरे सगे भैया विभीषण। बोले तेरे को पता कैसे चला, बोले जाकर के देख घर को सामने किया लिखा हुआ। रावण तो भागते भागते आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ था श्री राम। बोले विभीषण मेरे शत्रु का नाम तुमने कैसे लिख दिया, बोले कहां पर, बोले ये क्या लिखा श्री राम। बोले राम का नाम कहां पर, बोले ये क्या लिखा हुआ, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को बहुत प्रेम करता हूँ ना, उनका नाम लिख दिया। बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या, बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोलो रा। बोले भाभी का नाम, बोले मंदोदरी। बोले मंदोदरी का पहला अक्षर क्या, बोले माँ। फिर क्या हो गया, श्री राम। बोले भाई और भाभी, बस रावण तो खुश हो गया, रावण प्रसन्न हो गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, आप देखना ये दुनिया ऐसे की दुनिया है, अगर कोई गंदा काम करना, शराब पिए, चोरी करे, जुआ खेले, कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन आप थोड़ा गले में तुलसी कंठी पहन लो, थोड़ी सी माला जब करना शुरू कर दो, भले इसकी चक्कर में तो पड़ गई। बच्चा अगर सिगरेट फूकता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, वेरी गुड, मेरे बच्चा तो बड़ा एडवांस हो रहा है। लेकिन थोड़ा हरिनाम करना, माला जप करना, भले इसी उम्र में ये सब क्या कर रहे हो इसी उम्र में, लेकिन इसी उम्र में शराब पीना, सिगरेट फूकना, जुआ खेलना, लड़कीबाजी करना बहुत बढ़िया है। लेकिन ये दुनिया ऐसे की दुनिया है, इसलिए यहाँ विभीषण शिक्षा देता है भैया अगर भक्ति करना है ना, अपना बुद्धिमानी के साथ में भक्ति कर लेनी चाहिए। फिर श्री हनुमान जी सोच रहे हैं भैया हो ना हो ये रावण पूरी मायापुरी है, हो ना हो मेरे को भ्रमित करने के लिए किसने ये राम का नाम तो लिखवा नहीं दिया और ये तुलसी पौधा को तो कोई प्रकट नहीं कर दिया। इतने में श्री हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश किया और जाकर के देखा विभीषण लेटा हुआ, जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम। वो समझ गया भैया ये तो पक्का भगत है, क्योंकि किसी कपटी व्यक्ति की रोम रोम से कहीं प्रभु का नाम नहीं निकल सकता है। जो एकदम पक्का भगत होगा उसकी रोम रोम से प्रभु राम का नाम निकल सकता है। फिर श्री हनुमान जी बाहर आकर दरवाजा खटखटाए, श्री विभीषण जी आए। फिर विभीषण हनुमान जी से साक्षात्कार हुआ। अरे हनुमान जी ने बताया मैं राम का एक छोटा सेवक हूँ। जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम का एक सेवक है, विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा बिना मिलई नहीं संता, जो रघुबीरी मई अनुग्रह किनी तो मई दरस अठ दे। श्री विभीषण कहता है भगवान राम मेरे को मिलेंगे एकदम पक्का हो गया है, क्योंकि राम का सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी से मेरे साक्षात्कार हो गई। इसका मतलब है अगर किसी साधु को साथ में तुम्हारी साक्षात्कार हो जाए, कोई भगवान की भक्तों को दर्शन मिल जाए, क्या समझो, मतलब हमें भगवान मिल ही गए, ठाकुर जी हमें मिल ही गए। इतने में श्री विभीषण ने कहा देख हनुमान तू मेरे लिए एक काम कर, तेरे लिए मैं और ये काम कर दूंगा। बोले बताओ। बोले मेरे पास में माँ है और तेरे पास में बाप है। आप लोग समझ रहे कि नहीं। बोले मेरे पास में कौन है, कौन है, यहाँ पर सीता है, मेरे पास में माँ है। बोले तेरे पास में कौन है, बाप है, मतलब प्रभु राम है। बोले मैं एक काम करता हूँ, माँ जिस माँ को साथ में तेरे को मैं मिला देता हूँ, तू मेरे को बाप को साथ में मिला देना, क्योंकि जब पिता माता के मिलन नहीं हो ना तो पूरी नहीं होता, पिता माता मिल जाए तभी तो पूरी होगा ना। बोले जाओ ये अशोक वाटिका में माता सीता जी, जाओ माता सीता जी को दर्शन करो। हनुमान जी माता सीता को दर्शन कर लिए। विभीषण ने कहा देखो तेरा काम रह गया, मेरे को बाप से मिला देना। बोले ठीक है। बोले जिस समय ने विभीषण ने भगवान विभीषण श्री रावण को समझाने के लिए गया, देखो हम पुलस्त ऋषि के वंशधर हैं,
परस्त्री हरण करना ये हमारे धर्म नहीं। ये सीता जगदम्बा जगत जननी उनका राम के पास में पहुंचा दो। रावण ने क्या किया, लात मार कर वहां से उसको भगा दिया वहां से। इतने में विभीषण आ गया, बोले कहां प्रभु राम के पास। इतने में बंदर सैनिकों ने प्रश्न किया, बोले भैया तेरा परिचय क्या है, बोले मैं रावण का मैं छोटा भैया हूं। जितने बंदर थे ना, विभीषण को रस्सी में बांध बूंद करके लेकर के आए। विभीषण सोच रहा है, मैंने बोला था तेरे को मैंने माता जी से मिला देता हूँ, पिताजी को साथ में मेरे को मिला ना, लेकिन ये तो मेरे को बांध बूंद करके ले आए। लेकिन हठात उन्होंने श्री हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देख करके थोड़ा उसको हौसला बढ़ गया, क्योंकि हनुमान उसको देखा जानता है। इतने में हनुमान जी विभीषण से पूछा, भैया ठीक ठाक हो, बोले एकदम बात मत करना। बोले क्यों, बोले मैंने तुमको माता जी से मिला दिया था, और मैंने कहा था पिताजी से मिला देना, देखो मेरे को कैसे बंदर लोग कैसे बांध करके मेरे को लाए। बोले तुम ये बताओ, तुमने अपना परिचय क्या दिया था। बोले मैंने परिचय दिया था, मैं रावण का छोटा भैया हूँ, बोले इसीलिए तो तेरे को बांध करके लाए। रावण तो राम का शत्रु है ना, अगर तू बोलोगे उसका छोटा भैया तो बांध करके नहीं लाएंगे, इसलिए तो तेरे को बांध करके लाए। अगर तुम ये बताता हनुमान जी का मैं मित्र हूँ, हनुमान जी का मैं मित्र हूँ, फिर तेरे को स्वागत करके ले जाते यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में किसी साधु पुरुष का अगर दर्शन हो जाए, किसी संतों का दर्शन हो जाए, क्या समझ लो अभी हमारा बेड़ा पार होने वाला है, अभी भगवान हमें जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए समझो, इसी भागवत कथा में हमारे श्री बंसीवदन प्रभु जी एक जगन्नाथ पुरी से उड़ीसा से कल बड़े सुंदर भजन गा रहे थे, इसलिए अभी और एक जगह पर कथा हो रही थी नोएडा में, वहाँ पर कथा हो रही थी एक दिन पहले, वहाँ कथा की विश्राम हुई, इसलिए प्रभु जी कृपा करके आए हैं। आपको थोड़ी सी ठाकुर जी की भगवान की कथा सुनाएंगे, कैसे ये जीवन हमारे धन्य होगा, कैसे हम भक्ति राज्य में धीरे 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 हम बढ़ सकते हैं। प्रभु जी हमको मार्गदर्शन कराएंगे, कहते श्री बंसी वदन प्रभु, और भी आएंगे तुम्हारे पास गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम महाराज।
आराध्यतम निरुपाधिक करुणावारधिक रूपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिकाचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित अन्य वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। हम लोग बड़े भाग्यवान है, बड़े सौभाग्यवान है, क्योंकि ये सौभाग्यवान शब्द संबोधन किए थे नारद ऋषि युधिष्ठिर के लिए। हे राजन, आप बड़े सौभाग्यवान। तो नारद युधिष्ठिर के पास द्रौपदी जैसा रानी थी या हस्तिनापुर जैसा राज्य था, खुद सार्वभौम सम्राट बने थे, भीमसेन जैसा बलशाली भाई था, अर्जुन आदि भया लोग थे, सैन्य सामंत सब लोग अपने पास में थे, इसलिए सौभाग्यवान नहीं बोले। भाग्यवान इसलिए बोले थे कि हे राजन, आपके घर में भगवान कृष्ण विराजमान है, इसलिए आप भाग्यवान हैं। लेकिन भाग्यवान तो कृष्ण रहने के कारण, लेकिन सौभाग्यवान किस लिए? नारद ऋषि बताए कि देखो, आपके घर में भगवान कृष्ण होने के कारण वैष्णव लोग आपके घर में आते हैं और आपको कथा श्रवण करने के लिए, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिलता है, इसलिए आप सौभाग्यवान हैं। मनुष्य जीवन में सौभाग्यता तब उदय होती है जब कोई वैष्णव का संग मिल जाता है। वैष्णव का संग से साधु संगे हरि कथा एकमात्र चाई, संसार जिनित्यार कोन वस्तु नाय। कि वैष्णव की मुख से कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिल जाता है, इसलिए हमारे जन्म सफल है, सौभाग्यवान हम लोग इसलिए। तो पहला बात है कि हमको मनुष्य जन्म मिल गया, हम बड़े सौभाग्यवान हैं। यार, ये पूरी भारत भूमि में जन्म मिला। बड़े भाग मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। कि बड़े भाग्यवान है देवता लोगों को भी जो दुर्लभ शरीर, ये मनुष्य शरीर जिन जीवात्मा को मिलता है। लेकिन दूसरा जगह होने से अलग बात है, जब भारत भूमि में मिलता है ये बड़ा सौभाग्यवान है। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, क्योंकि भारत भूमि में मिलने वाला शरीर ही भगवान की सेवा करने के लिए उपयुक्त है। मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः, भगवान की सेवा करने के लिए उपाय स्वरूप ये मनुष्य शरीर जो कि भारत भूमि में मिला, जिसी जन्म स्थान में जिस जहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्म हुआ, राम की जन्म हुआ, सारे भगवान आचार्य अवतार सब इसी भारत भूमि में। एक बार किसी संत को विदेश में किसी ने प्रश्न पूछा, जितने सारे भगवान और अवतार महापुरुष भारत में क्यों आ गए, सारा विश्व पड़ा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान कनाडा कहाँ जन्म नहीं लिए, केवल भारत में क्यों टपकने लगे? उन्होंने बताया, देखो एयर जो फ्लाइट होता है वो कहाँ लैंडिंग करता है, जहाँ एयरपोर्ट है। कोई बताए कि भाई हमारे गांव में इतना बड़ा मैदान है, इधर क्यों नहीं आता, वहाँ एयरपोर्ट ही क्यों लैंडिंग करेगा? भाई उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए, मैदान चाहिए, सारी पहले से सब कुछ व्यवस्था चाहिए, तब तो लैंडिंग करेगा ना, जहाँ तक लैंडिंग नहीं होता है। तो भगवान भी अवतार लेते हैं उनके लिए जहाँ व्यवस्था है, ये अपना धाम है, अपना स्थान है, तो इधर ही आता है।
इसलिए जहाँ पर भगवान की जन्म, जहाँ पर आचार्यों की जन्म, वहाँ पर हम लोग का जन्म हुआ, मनुष्य शरीर मिला, ये छोटी भाग्य का वस्तु नहीं है। फिर मोहन नगर में, मोहन नगर, हाँ, मोहन भगवान के नाम है, उनका मोहन नाम है, इसलिए सारा जगत को मोहित करते हैं, सारा जगत को मोहन करते हैं। और उनका जो नगर यानी भगवान कृष्ण का नगर में जन्म लिए, ये छोटी चीज नहीं है। एक साधु जी को इसने प्रश्न पूछा, महाराज जी हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी बताइए। साधु महात्मा ने बताया आपके ऊपर तो भगवान की कृपा हो गया, आपको पता नहीं चला। बोले महाराज जी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुआ, मुझे पता नहीं चला, मुझे तो मालूम नहीं पड़ता। बोले देखो तुमको ये जो 6 फीट का शरीर मिल गया वही भगवान की बड़ी कृपा है, कृपा और कुछ नहीं है। दो दो आंख मिला भगवान की श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए, जीवा मिल गया भगवान की नाम करने के लिए, दोनों कान मिल गया भगवान की कथा सुनने के लिए, सिर मिल गया भगवान के चरण में और वैष्णव के चरण में माथा को झुकाने के लिए, पैर मिल गया कथा के स्थान पर जाने के लिए, इतना सब कुछ व्यवस्था मिलने के बाद अगर तुम समझ नहीं पाते कृपा मिला तब तो और क्या बताए। मनुष्य शरीर मिल गया मतलब भगवान की कृपा ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हमारे अनुभव नहीं होता है। खाते पीते सोते एलो आर गेलो, बस आते हैं फिर चलते। लेकिन मनुष्य शरीर भारत भूमि में मिल गया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके साथ साथ मोहन नगर में जन्म होने के कारण, और जो लोग विशेष करके कथा सुनने के लिए आते हैं, उन लोगों का बड़ा सौभाग्य। क्यों? एक बार हमारे प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बाग बाजार गौड़ी मठ में थे कलकत्ता में। उसी दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई तो लोग आ नहीं पाए कथा सुनने के लिए, 2-4 लोग केवल आए, और बारिश इतना था तो मठ से ही वापस घर में पहुंच नहीं पाए। कुछ लोग बोले प्रभुपाद आज बड़ा दुर्दिन है, आज बड़ा दुर्दिन। प्रभुपाद बोले बारिश होने में दुर्दिन नहीं होता है, 9 दिनम दुर्दिनम समम घनारंबरम जथा किंतु तद्दिनम दुर्दिनम स्यात् कृष्ण अलाप विवर्जितम। मनुष्य के लिए जिस दिन बारिश होती है वही दिन वास्तव दुर्दिन नहीं है, वास्तव दुर्दिन वही है जिस दिन हम कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए सुजोग नहीं मिलता, भगवान की कथा भगवान के नाम लेने के लिए सुजोग नहीं मिलता, वही दिन ही वास्तव दुर्दिन है। ना कि खाने के लिए नहीं मिला, सोने के लिए सुजोग नहीं मिला, बारिश ज्यादा हो गया, वही दिन दुर्दिन है। वास्तव दुर्दिन वही है, भगवान की जन्म, मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिला, वो दिन वास्तव दुर्दिन है। तो ये सुजोग हमारे पास है, मानव जीवन सदगुरु मिलन संसार दुर्लभ दुई ए दुई पाई भजन कले जन्म सफल होए। मनुष्य जन्म मिल गया भारत भूमि में, और दूसरा सदगुरु मिल गए, और मनुष्य जन्म सदगुरु मिलने के बाद अपने ऊपर बात आ गया, और भजन करना अगर हो गया तो समझ लो मनुष्य जीवन सफल बन जाए। संसार में ये दो चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, ये तीन वस्तु दुर्लभ है। दैवान ग्रह हेतु कम, भगवान की कृपा से तीन वस्तु मिलता है, क्या क्या? मनुष्य जन्म, दूसरा क्या है? मुमुक्षत्व भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरा महापुरुष संश्रय भगवान की प्राप्त, महापुरुष भगवान को जो देते हैं, कृष्ण के जो मालिक वैष्णव, ये प्राप्त होना बड़ा, तीन चीज बड़ा दुर्लभ है। और अभी हमारे जीवन में तीन वस्तु मिल गए, मनुष्य जीवन मिल गया, कुत्ता गधा सुकर कुकर कितना घूमते वही खाते पीते सोते चलते फिरते, लेकिन हम लोग को मनुष्य शरीर मिल गया,
भगवान के नाम। और दूसरा क्या है, मुमुक्षुत्वम, मतलब मनुष्य जन्म मिला और दूसरा है मुमुक्षुत्वम, यानी भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्ति करने के लिए इच्छा, दुख निवृत्ति की इच्छा। और तीसरा महापुरुष संत्रय, वैष्णव की सानिध्य, वैष्णव का संग, वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करने के लिए सुजोग, ये तीन वस्तु हमारे पास अभी उपलब्ध है। इसलिए हम लोग जैसा भाग्यवान है जगत में और कोई नहीं है। लेकिन हम लोग पास में अगर कोई मूल्यवान वस्तु हो, जैसा कोई धनी व्यक्ति, धनी का घर में कोई लड़का अगर धनी घर में पैदा हो जाता है और उनको गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब कुछ आराम से फ्री में मिलता है, तो अनुभव कर नहीं पाते वो कितना दुर्लभ है। अनुभव करता है पिताजी से जब जो कुछ चाहता मिल जाता है, गाड़ी में बैठते चलता है, ड्राइवर का आदेश देते सब कुछ हो जाता है, उनको अनुभव नहीं होता है पैसा कमाई करके सब करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति, गरीब घर में जो पैदा हुआ जो बच्चा, उन्हीं बच्चा को पता है कि सचमुच इतना बड़े बड़े गाड़ी, इतना बड़े बड़े बैंक बैलेंस, इतना बड़े बंगला, इतना सब कुछ कितना दुर्लभ होती है ना। तो इसलिए सज्जन हमको मिला हुआ वस्तु को गमाओ मत, जो चीज हमको मिला है उसी वस्तु को गमाना उचित नहीं है। तो इसलिए आप लोग को तो बड़े सौभाग्यवान है, बड़ा कष्ट करके आते हैं और 3-4 घंटा बैठ करके भगवान की कथा सुनते महाराज जी से, ये बड़ा सौभाग्यवान है। और कथा कौन सी, भागवत की। भागवत सुनना इसलिए सुनना चाहिए, जस्या वैश्रुयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। कहते जिनको श्रवण करने से, भगवान की चरण कमल में अखंड शुद्ध प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है, केवल सुनने से, कुछ करना जरूरत नहीं, केवल भागवत सुनने से। इसलिए भागवत ग्रंथ, ग्रंथ चक्रवर्ती पुराण सम्राट है, इसी ग्रंथ को सुनने से ही भक्ति प्राप्त होती है, इसी ग्रंथ को सुनने मात्र से ही भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें सारी भक्तों की कथा है। भागवत में ऐसा है, दूसरा ग्रंथ में सारी विचार को ऐसा है कि भगवान को कैसे भजन करना, भगवान के पीछे कृष्णानुसंधन की विचार सब जगह है, कैसे कृष्ण को ढूंढना है। भक्तों भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं सब जगह वर्णन है, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है यहाँ पर भक्त भगवान को ज्यादा नहीं ढूंढते, इसी भागवत ग्रंथ में भगवान भक्त को ढूंढते हैं। दूसरा जगह भगवान रोते हैं, भगवान भक्त रोते हैं भगवान के लिए, लेकिन भागवत में क्या है, भगवान रोते हैं भक्त के लिए, रोते हैं भगवान भक्त के लिए। देखो बंसी, इसलिए तो भागवत में भगवान कृष्ण की चरित है और कृष्ण को देखो बंसी बजाते हुए, बंसी क्यों बजाते हैं, किसके लिए, अपने लिए नहीं, किसको बुलाते हैं, भक्त को। गोपियां भगवान को तो भूलना चाहती है, लेकिन भगवान गोपियां को बुलाती रहती है, बुलाते रहते हैं। इसलिए कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, बंसी बजाने का कारण वही है, भक्त को भगवान की चाहवट, भगवान को भक्त की चाहवट है, भक्त को बुलाते हैं। बछड़ा के पीछे पीछे डोलते फिरते हैं, बुलाते हैं, रोते हैं। जिन्होंने भागवत में ये कथा है कि खुद रोते हैं, इसलिए स्तन्यपान करने के लिए, जसोदा माँ से दूध पीने के लिए रोते हैं कन्या भगवान। भगवान ये ब्रज है, ये ब्रज की कथा है जहाँ पर कृष्ण रोते हैं, रुदंतं मुहुर्ने रजुगमं रजंतं, ये ब्रज की कथा ये भागवत में है। यद्यपि भागवत में ध्रुव महाराज के चरित्र हैं, सकाम भक्त जिन्होंने भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए आए, सारी कामना को भी पूर्ण किए,
और भागवत में भक्ति तो ध्रुव महाराज के अंदर था ही, लेकिन थोड़ा अंदर में कामना था कि कैसे राज गद्दी मिलेगा, कैसे सारा राज्य, ऐसा पद मुझे चाहिए जहाँ विश्व का किसको भी नहीं मिला, कामना था। लेकिन भगवान को भजन किए, इसलिए ये बात सोचना है, कभी अगर मन में इच्छा भी होता है तो दूसरा देवादेवी को मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। काम सर्व काम व मुख्य काम उदार दी तिप्रेण भक्ति जोगे न जजलते पुरुषम परम। ध्रुव जी की चरित्र, प्रहलाद महाराज जी ज्ञानी भक्त का चरित्र इसी भागवत ग्रंथ में। प्रहलाद महाराज जी कितने सुंदर भक्त थे, भगवान को स्मरण किए, पिताजी ने इतना विपत्ति दिया, सब कुछ दिया, लेकिन भगवान को उन्होंने स्मरण किए, लेकिन बचाओ नहीं बोले। ध्रुव जी प्रहलाद महाराज कभी ये बात बोले नहीं, चित्कार करे, हे प्रभु मेरे ऊपर तलवार आ रहे, मुझे आप बचाइए, अपना भगवान का स्मरण ही किए। लेकिन काम किसने किया, चाहवट भगवान की भक्त के प्रति। नृसिंह भगवान ने प्रकट हो गए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य की अपना भृत्य की कथन को चरितार्थ करने के लिए, सफल बनाने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए। ये प्रहलाद महाराज जी नृसिंह देव की कथा इसी भागवत में। और विशेष करके हनुमान जी जो प्रेमी भक्त, जिन्होंने राम जी की कथा सुने, राम जी की भक्त, दास्य भाव के भक्त, बड़ा प्रेम, लेकिन ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी इतना अंतर है कि उन्होंने सोचा भगवान परम पुरुष है, भगवान के पास सारी भगवत्ता है, पराग पर परम ब्रह्म है, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है, उनको कभी भूख प्यास नहीं लगता। उन्होंने तो जन्म प्रकट होने के बाद नृसिंह देव को कभी पानी नहीं पिलाया, आपने मेरा पिताजी के साथ इतना युद्ध किया तो थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए, प्रहलाद महाराज जी दिए, प्रणाम किए, स्तुति किए, माला प्रदान किए, लेकिन सेवा करने की भावना प्रकट नहीं हुआ। ये कथा प्रहलाद, ये भागवत। शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जिन्होंने, लेकिन उससे और बड़ा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ भक्त अम्बरीश महाराज जिन्होंने सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की, हाथ के द्वारा भगवान की मंदिर मार्जन करना, कान के द्वारा भगवान की कथा सुनना, जीवा के द्वारा भगवान के नाम लेना, सारी इंद्रिय राजा होते हुए भी सारी भगवान की सेवा इंद्रियों के द्वारा। और उससे ज्यादा बड़ा भक्त कि प्रहलाद, ये पांडव लोग प्रेम पराभक्त, जो प्रेम पराभक्त पांडव लोग इतने अच्छे भक्त है, जिनके लिए भगवान सारे द्वारिका नगर आकर के उनके पास रहते थे। कुंती मैया को कुछ, कुंती बुआ को कुछ ना कुछ विपत्ति पड़ा तो आकर के उनके पास रह जाते थे, इंद्र के अर्जुन के साथ एक थाली में खाते थे, अर्जुन का पैर कृष्ण के तरफ और कृष्ण का पैर अर्जुन के तरफ, कृष्ण की माथा अर्जुन के पैर पर और कृष्ण का, अर्जुन की माथा कृष्ण के पैर पर, इतना क्लोजनेस है संबंध पांडवों के साथ। और भगवान जब अभी छोड़ करके गए, अर्जुन के युधिष्ठिर महाराज भगवान के लिए सारी सैन्य सामंत भेजा उनके साथ, स्नेह वशतः पांडवों का भगवान के प्रति अक्लांत स्नेह था, ये बहुत ज्यादा स्नेह था, प्रीति था, ये भक्तों की कथा भी भागवत में। और विशेष करके प्रेमी भक्त, प्रेमातुर भक्त उद्धव की कथा भागवत में। प्रेमातुर मतलब जो कि प्रेम प्राप्त करने के लिए आतुर बन पड़े ब्रजवासियों के लिए, यही जो भक्त है उद्धव जी का कथा भी भागवत में, जिनको भगवान ने भेजा ब्रजवासियों के पास ब्रज भक्ति शिक्षा करने के लिए, ये उद्धव की कथा भी भागवत में। और विशेष करके गोपियों का, जो ब्रजजन का कथा भागवत में। भागवत में इसलिए हमारे गुरुपाद कहते थे, कृष्ण कथा की प्रतिपादक विषय नहीं है भागवत, भागवत है राधा प्रेम में कैसा विधुराए कृष्ण, कृष्ण कैसा ब्रजवासियों के लिए रोते हैं, ये कथा भागवत है। गोपियों का प्रेम कैसा कृष्ण के प्रति, ये कथा भागवत में। ब्रज ऐसा है जहां पर स्वयं पराग परम ब्रह्म कृष्ण रोते हैं, चिल्लाते हैं,
और वो ब्रजवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, छाछ के लिए नाचते हैं, ये प्रेम है। कृष्ण कभी रोए नहीं ज्यादा ध्रुव जी के लिए, कृष्ण कभी रोए नहीं पांडवों के लिए ज्यादा, कृष्ण कभी इतना रोए नहीं किनके लिए, प्रहलाद महाराज जी के लिए। लेकिन कृष्ण बहुत ज्यादा रोए थे, किनके लिए रो रहे थे, ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए। तो इसी गोपियों का जो कथा है, इसी भागवत में होने के कारण भक्त भागवत और भगवान भागवत, ये ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश उद्धव जी लोक कथा। और दूसरा है जैसा वामन देव नरसिंह भगवान, ये सब लोग का कथा इसी भागवत में है। तो भक्त भागवत और भगवान की सारी अवतार की कथा इसी भागवत में रहने के कारण ये भागवत के नामकरण भागवत हुआ। ऐसे भागवत की कथा फिर दूसरे के मुख से नहीं, वैष्णव के मुख से जब सुनने के लिए सुजोग मिल जाता है, हृदय में कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए लालसा बढ़ती है। वैष्णव ये वस्तु देते हैं भागवत कथा सुना करके कि हमको कृष्ण प्राप्त करने के लिए लालसा वासना, कृष्ण सेवा वासना बढ़ाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य लिखा गया है, जाय भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। अगर भागवत सुनना है तो दूसरा जगह मत जाओ। ये लोग तो बोलेंगे भागवत करने के लिए गणेश की पूजा पहले करो, लेकिन भागवत की प्रतिपाद्य विषय भागवत की इष्ट है कृष्ण जो स्वयं भगवान, गणेश की पूजा क्या जरूरत है, नवग्रह की उपासना क्या जरूरत है। लेकिन वैष्णव वही है जिन्होंने बताते हैं भगवान के लिए कैसे रोना पड़ता है हरिनाम करके, ये भागवत की शिक्षा, ये भागवत की ये भगवान के लिए जो लालसा हृदय में वो देते हैं वैष्णव। इसलिए वैष्णव की उसे कथा सुनना चाहिए भागवत की विशेष रूप से। इसलिए हम लोग का बड़ा सौभाग्य है ये भागवत श्रवण करने के लिए सात दिन हम लोग सुने और इतना बड़ी रथ यात्रा हुआ और सब लोग उसमें अंश ग्रहण किए, रोज रोज कीर्तन हरि कथा। और इतना सौभाग्य के कारण फिर महाराज जी जैसा वैष्णव के मुख से श्रवण करने के लिए सुयोग मिला, ये छोटी बात नहीं है। दूसरे दूसरे लोग भागवत की बड़ी बड़ी प्रसंग को बड़ी कान छान करके बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जैसा महाराज जी ने आप लोग को, हम लोग अभी देख रहे हैं, सब लोग जोड़ते हैं कि बाबा हरिनाम पर जीवन सफल हो जाएगा। मांस मछली प्याज लहसुन अंडे शराब इसको मत खाओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जीवन में अगर कुछ लेना है तो कृष्ण कथा सुनो और कृष्ण के नाम ले लो। ये सिखाने के लिए, ये व्याकुलता देने के लिए, कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए जो वैष्णव उनके मुख से जो कथा श्रवण के लिए सुयोग मिलता है, ये छोटी भाग्य की बात नहीं। भागवत में है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेक जन्म की भाग्य जो उदय होती है पुंजीभूत होती है तब ये कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिलता है। क्योंकि भागवत कोई सुने और सुनने के साथ साथ कहते धर्म प्रज्जित कैतव अत्र परमो निर्म शराणाम सतान वेद्यम वास्तव वस्तु तत्र शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सत्य हृदय अवरुद्य तत्र पृथ्वी शुश्रुषुवि तत्क्षण। अपैतव धर्म की जो परम धर्म की निचोड़ कृष्ण भक्ति की कथा केवल उसी भागवत में है। और दूसरा, इसी भागवत श्रवण करने से पाप तो नष्ट होती है, पाप करने का वृत्ति भी नष्ट हो जाती है और उसके साथ साथ आनंद भी मिलता है। आप लोग देखना यहाँ पर जितना समय बैठ करके कथा सुनते हो तो उतना समय के लिए मन से सारी दुख की जो पीड़ा चला जाते हैं हम लोग के अंदर, तो सबके अंदर, बाहर तो एक प्रकार की फाइटिंग चलता है, युद्ध चलता है, लेकिन अंदर अंदर भी बड़ा हमारे अंदर युद्ध होती है।
किसका हानि की चिंता तो लाभ की लोग प्रतिष्ठा आशा की इच्छा तो अपजस का भय इतना सारी चीज के अंदर हम लोग सब समय तड़पते हैं लेकिन कथा में बैठने से ना हानि की चिंता होती ना लाभ की लोभ होता ना कोई प्रतिष्ठा की आशा रहती ना कोई अपजस का भय रहता उसके बीच में हम लोग ये सब भूल जाते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के समय और दूसरा आनंद मिलता है। आनंद कैसा? कृष्ण कथा श्रवण करने की आनंद। इसलिए हम लोग को बड़ा दाता कहा गया भागवत में। और तीसरा क्या लाभ है? तीसरा लाभ वही है कि भागवत श्रवण करने से भगवान कृष्ण आकर के हृदय में बैठ जाते हैं, बंध जाते हैं। बंध जाते मतलब जैसा बंदी के घर पर कोई बद्ध बन जाता है, बंदी हो जाता है, तो ऐसा जो भागवत सुनते हैं उनके हृदय में भगवान खुद आकर के बंदी बन जाते हैं, चाहने पर भी निकलेगा नहीं। इसलिए ये बात याद रख लो, कोई अगर यहाँ पर जो कोई आ गए उन्होंने चाहे भगवान को भूल सकते लेकिन भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। विष्णुर तद विषया मति ही, भगवान को कोई एक बार नाम ले तो भगवान कहते हैं चाहे उन्होंने मुझे भूल जाए लेकिन उन्होंने एक बार नाम ले लिया तो मैं कभी उनका और भूलूंगा नहीं, मेरा मन उनमें लग जाएगा। जिन्होंने एक बार भागवत कथा सुना चाहे उनका मन भगवान में लगे ना लगे लेकिन भगवान का मन उनमें जरूर लग जाएगा। ये मति वयम जना, ये मेरा है, सारी तरीका से उनका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए कोई कोई कह देते सुनने से क्या हो जाए, हमारा तो मन भगवान में लगता नहीं। ठीक है, तुम्हारे मन भगवान में नहीं लगता लेकिन भगवान के मन तुम में लग जाता है, तुम मेरे हैं, उसके लिए जरूर नाम लेना चाहिए, इसके लिए जरूर भगवान की कथा सुनना चाहिए सज्जन। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है ऐसे वैष्णव की मुख से हम लोग कथा सुनने के लिए सुजोग मिलता है। और महाराज जी 7 दिन करके आप लोग कथा सुना रहे हैं, अभी कुछ प्रसंग बाकी है, आप लोग को फिर कथा सुनाएंगे और फिर बीच बीच में हम कभी आएंगे तो फिर महाराज जी जब कथा होती है तब फिर हम बाद में कभी कथा सुनाएंगे। और इतना कह करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वांछा गणपतरु भ्यश्च कृपा सिंधु देवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जीत जीत प्रभु जी आज इधर आ जाओ। हरे कृष्णा। हाँ देखो आज हमारे बहुत बढ़िया दिन है, आज प्रभु जी अब बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ठाकुर जी की आप कथा सुनाए। हम लोग ने कथा 7 दिन तक सुने हैं। कितना दिन तक सुने हो? 7 दिन तक कथा सुने हैं। इसलिए दिया मैंने ऐसा नहीं और भी चाहते दो और तो ऊपर ठीक है। देखो नियम है 7 दिन तक हम लोग ने कथा सुनी, यहाँ से कुछ लेनी चाहिए है ना, ऐसे नहीं कथा भी समाप्त हो और हम भी समाप्त हो गए ठीक है। इसलिए नियम है कुछ लो और कुछ दो। बोले भैया लेंगे क्या? बोले भागवत से भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति को लेकर के जाओ। बोले देंगे क्या? बोले जितने गंदी चीज है वही यही पर देख करके चले जाओ, जितने गंदी चीज है उसको यहाँ पर छोड़ जाओ और जितने अच्छी चीज है यहाँ से लेकर के जाओ। अभी हम कथा के विश्राम धीरे धीरे देने जा रहे हैं, अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी भी होगी और लास्ट में आज ब्रज में होली रसिया खूब धूमधाम होली खेलेंगे। घर से गुलाल गुलाल लाएंगे नहीं? घर से गुलाब नहीं लाएंगे घर से तो होली कैसे खेलेंगे? मुझे लगता है पुरुषोत्तम प्रभु जी गुलाल लाएंगे ठीक है। इसलिए 4 चीज लो और 4 चीज दो। बोले 4 चीज क्या दे? बोले जहाँ पर ये कली का स्थान है वो चीज को गंदी चीज को दे दे। पहला नंबर है ध्यान देकर सुनो, यही कथा के सार है।
अभी हम कथा को विश्राम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए चार चीज दो, मतलब पहला नंबर है कली का पहला स्थान है दुतम। दुतम मतलब होता है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं, वो झूठ के ऊपर में झूठ बोलते हैं। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेले। अब भी अपना पतियों को बच्चों को जुआ से बचाने के लिए कोशिश करना। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज ये धर्मराज है, लेकिन इन्होंने शिक्षा दिया, देखो जुआ खेल कर कर मेरे कितने सर्वनाश हो गया। पहले तो राज्य को खो दिया, फिर भाइयों को भी जुआ में चढ़ा दिया, लास्ट में अपना पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने जुआ में लगा दिया। और भरी सभा में उनकी द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, कितने गंदा काम है। इतना नहीं, 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक अज्ञातवास में रहे। आप लोग सब महाभारत देखे होंगे। इसलिए कभी जुआ खेलना नहीं। अगर अपना पति लोग भाई लोग कोई जुआ खेलते हैं, उनको जुआ से बचाने के लिए कोशिश करना। धर्म का पहला चरण सत्य है, यहाँ पर सत्य नष्ट हो जाती है। दूसरा है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। धर्म का जो दूसरा चरण है कहती है, दूसरा चरण है तपस्या। जो व्यक्ति नस्ली वस्तुओं को व्यवहार करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया शराब पीने वाले को 3 लाभ है। कितने लाभ है? पहला लाभ क्या है बोलो, पहला लाभ क्या है? बूढ़ा नहीं बनेगा। बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा, और पी पाकर का आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बोले बूढ़ा बनेगा कब। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कहाँ से होगी, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो सब बेच बाज कर पी पाकर खत्म कर देगा। तीसरा लाभ है कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह धो कर चले जाएंगे। इसलिए किसी तरह का नस्ली वस्तु, और यहाँ तक भी आपको मैंने बताया था चाय तक भी नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं लेनी चाहिए? चाय भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय में निकोटीन है, उसमें कैफीन है। इसलिए मैंने पहले आपको बहुत कुछ बात बताया कैसे ये अंग्रेजी लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए पहले बिना पैसा नहीं ये चाय पता बेचने लग गए। बिना पैसा नहीं बल्कि बोलते थे जो 1 कप चाय पिएगा उसको 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि अपना बिजनेस को चलाना चाह रहे थे। हम लोग ने तो बेकूफ बन गए, बोले 1 रुपया मिलेगा फिर 1 कप चाय मिलेगा, बोले लो पियो। कुछ दिन बाद में बोले नहीं 50 पैसा मिलेगा, बोले 50 पैसा 1 कप चाय, फिर पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद में बोले देखो 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले देखो कोई पैसा नहीं मिलेगा, 1 कप चाय भी मिलेगा। पी करके उसमें निकोटीन कैफीन है, इसलिए उसको पी करके हमारा बुरी आदत बन गई, तब भी हम पीने लग गए। बोले देखो अभी उल्टा तुम्हें 25 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, लो। 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी 1 कप चाय कितना हो गया? इतनी सी चाय और 10 रुपया दे करके फिर हमें बेकूफ बना लिया है इतनी। इसलिए कोशिश करना हर्बल टी पीने के लिए, वो गुल टी है रामदेव बाबा की, उसको पियो जिसमें हेल्थ के लिए अच्छा, नहीं तो दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। नस्ली वस्तु को त्याग देना। तीसरा नंबर है स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब है जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से मिलते हैं। संसार करो, अपना पति पत्नी शादी करके अपना पत्नी पत्नी घर गृहस्थी बना करके बैठे हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये शास्त्र इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ करने पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा जो स्थान है जीव हिंसा। जीव हिंसा में यहाँ पर दया नष्ट हो जाती है। अगर हृदय में दया हो तो कभी हम मांस मछली अंडा ये सब चीज को कभी खा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हर जीव भगवान के संतान है,
केवल हम ही ठाकुर के संतान नहीं, क्या बकरी मुर्गा भगवान के संतान नहीं है? ये सब के सब ठाकुर जी के संतान हैं। इसलिए संतों का कहना है कभी हम किसको दुख दे करके कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर सुख पाना तो दूसरों को सुख दो, फिर तक कभी सुख मिल सकती है ना। जब किसी जानवर को हम काट करके खाते हैं, उसको जो कष्ट होता है वो सारी कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए भागवत में एक कथा थी, एक राजा था जिसका नाम था सुरथ। वो यज्ञ में पशु बलि देता था। एक दिन नारद जी को साथ में बैठे हो गई। नारद जी बोले क्या कर रहे हो? बोले पशु बलि दे रहा हूँ। बोले तेरे को पता है इसका परिणाम क्या? बोले क्या परिणाम किया? नारद जी ने कहा देखो तेरे को अभी दिखाता हूँ। उन्होंने कमंडल से पानी लिया, उनको ऊपर में जब उन्होंने छिड़काव कर दिया, ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह गया। इसका जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त देखा जमदूत गले में रस्सी डाल करके घिसड़ते हुए ले जा रहे हैं। पूर्व जन्म में जितने जानवर को उसने खाया था सब तलवार लेकर के लाइन करके खड़े हुए। बोले तुम लोग कौन हो? बोले तुम्हारी याद है पूर्व जन्म में तुमने हमें काट करके खाया था, उसको शरीर को बोटी बोटी कर कर टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे। वो बोल रहा था मेरे को छोड़ दो, और नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। बोले लेकिन तुमने जब हमें जब काटा था, इसलिए बोले पाप अपना पाप कभी भी नहीं छोड़ता है, इसलिए कभी भी जीव हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम कहते हैं मांस। मांग मतलब होता है संस्कृत भाषा मुझे, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए मांस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोला मांस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट, मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, मतलब मुझे जो खाएगा अभी जिसको हम खा रहे हैं। इसलिए कोशिश करना मांस मछली नहीं खाने के लिए, ठीक है ना। अंडा तक भी नहीं खानी चाहिए, अंडा भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए महाभारत में कथा दी है जब से धृतराष्ट्र का 100 बेटे मारा गए, आपको पता होगा एक बेटा अगर मर जाए ना माँ रो रो करके वो भी खुद मर जाते हैं। अगर जिस माँ की पिताजी की 100 बेटे मारा जाएंगे कितना कष्ट नहीं होगा बताओ। इतने में गांधारी और धृतराष्ट्र वो कृष्ण को पास में गए। बोले कृष्ण हमने ऐसे कौन सा कर्म किया था जो कि 100 बेटों का हमें मृत्यु देखना पड़ा? तब भगवान उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले पूर्व जन्म की कथा सुन, एक समय तुम जंगल में शिकार करने के लिए गया, राजा था, बड़ी दूर तक राज्य से चला गया और बड़ी जोर से तुमको भूख लग रहा था। एक वृक्ष को नीचे तुम बैठ गया, इतने में देखा उसी वृक्ष के ऊपर में कुछ चिड़िया चेचा कर रहे थे। बोले उसको पता लगा कि वृक्ष में कुछ चिड़िया का घोंसला है, तुम वो वृक्ष के ऊपर में चढ़ा, चढ़ करके सब घोंसले में सब अंडा दिया था चिड़िया, तुमने 100 अंडे को तुमने खाया और एक एक अंडे में एक एक बच्चा होता है और एक एक अंडा नहीं खा रहे हैं हम, एक एक बच्चे को खा रहे हैं। तुमने 100 अंडे खाया, 100 बच्चे को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में 100 बच्चों को मृत्यु तुम्हें देखना पड़ा। ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, इसलिए ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए। और जो प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। मैंने आपको पहले सुनाया था जिस समय भगवान मोहिनी अवतार में अमृत बांट रहे थे, उसी समय सौरभान नाम का दैत्य भी अमृत को पान कर लिया। चंद्र सूर्य ने इशारा किया, बोले प्रभु ये दैत्य है, ये देवता नहीं। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाकर काट दिया, जहां पर मांस गिर पड़ा वहीं पर हो गया प्याज की पौधा, जहां पर हड्डी गिरा वहीं पर हो गया लहसुन की पौधा, जहां पर खून की बूंद गिरी वहीं पर मसूर डाला होगा। इसलिए आप लोग नवरात्र रखते हो, कौन कौन रखते हो? सबके सब। आप लोग 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो? नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों नहीं खाते?
माता जी को पसंद नहीं, क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में फिर प्याज लहसुन खा करके फिर मैया को नाराज करते। हाँ, इसलिए जो चीज मैया को पसंद नहीं, जो चीज भगवान को प्रसन्न नहीं, वो चीज भी हमें नहीं खानी चाहिए। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए। पहले भी मैंने सुनाया था, पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गो माता होती है। अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी उसको मारने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। अभी कोई गैया हो गई बूढ़ी, अगर उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान करके उसको बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिया इसमें आहुति डालने के लिए, क्योंकि ऋषियों को मंत्र में इतने शक्ति होती थी, वो बूढ़ी गैया को भी ये जवानी बना देते थे। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने मांस दे करके उसकी खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने हम खाए गए से, उन्होंने रात में उसको दुबका दिया, छुपा दिया। ऋषि ने मंत्र पढ़ा तो गैया जवानी बन करके प्रकट हुई, लेकिन सब अंग तो भरा हुआ था, लेकिन जहां का मांस उसने छुपा दिया था, देखा वही जगह भरा नहीं। वो त्रिकाल दृष्टा और ऋषि थे, ध्यान लगाया, उनने सब कुछ देख लिया किसने इसकी मांस को छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दिया, बोले जिसने ये काम किया उसको सर्वनाश होगा, जहां पर ये मांस को काट दिया वहां पर ये प्याज की पौधा हुई नहीं। जैसे मांस लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल रंग के होगा। जैसे मांस से बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ सामने देखना किससे बात तक भी नहीं कर सकते, यहाँ पर प्याज काटो वहां तो पता चलेगा नहीं प्याज कट रही है, आंखों से आंसू आ जाते हैं प्याज काट दो, छोंक दो उसका बदबू भी घर में, उसकी बदबू भी फैल जाती है। इसलिए ये चीज किसी ठाकुर जी भी देखना कहीं भगवान के भोग में नहीं लगता है। इसलिए नवरात्रि में जो माताएं व्रत रखती हो तब भी 9 दिन तक ये प्याज लहसुन को कोई ग्रहण नहीं करते, कारण है उसका सृष्टि गंदी चीज से सृष्टि हुई है। इसलिए और एक चीज समझो, कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा, ध्यान दे कृष्ण, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके भोजन करता है, कहते प्रसाद सर्व दुखानी, भगवान को भोग लगा कर खाओ, कृष्ण स्वयं कहते हैं उसी घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा, उसी घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगी। उसको जीवन का जो दुख कष्ट है, जीवन का जो परेशानी है, सब के सब नष्ट हो जाएगा जो भगवान के प्रसाद ग्रहण करेगा। हम लोग भगवान को भोग लगाने का बड़ा पुण्य है और नहीं लगाने का भी पाप है। देखो आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, बोले ये सुदामा इतने दिन तक गरीबी क्यों बना था, उसको बाद में ये धनी क्यों बना, पहले गरीबी क्यों बना। हम लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, जिस समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, उनको गुरु माता ने सुदामा जी को कुछ चाना दिया था, बोले सुदामा इसको कृष्ण को दे करके खाना, लेकिन सुदामा ने क्या किया, छुपा छुपा करके चना खा लिए, कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले सुदामा इसका फल तेरे को भुगतना पड़ेगा, इसलिए बड़ी दीन तक उनको दरिद्र बनना पड़ा, बड़ी दुख कष्ट उठाया। लेकिन सुबह जब सुदामा को पता चला कृष्ण का बचपन का जो दोस्त कृष्ण है सुदामा की, उसको पत्नी ने कहा एक बार कृष्ण दर्शन करने के लिए जाओ, बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने 2 मुट्ठी चिड़वा ला करके दी, भगवान 1 मुट्ठी खाए, भगवान 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, नहीं आप 2 मुट्ठी चिड़वा खा लिए, उसको घर में सारे राज वैभव पहुंच गया, अगर आप 3री मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूं उसको घर में दासी बनना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे जब सुदामा घर में वापस आता है, सोने की महल बनी, पत्नी इतनी सुंदरी, इतनी राजकुमारी राज रानी बन करके बैठी हुई, उसने पत्नी को पहचान नहीं सका, क्यों, उन्होंने भगवान को उन्हें खिलाया, मतलब है अगर भगवान को भोग देकर खाओगे ना, माँ लक्ष्मी की खूब कृपा होगी,
घर में खूब पैसा आएगा, घर में खूब घर में पैसा आएगी। क्यों? पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? तभी ये लक्ष्मी संतुष्ट होएगी जब ये लक्ष्मी भगवान की नारायण कृष्ण सेवा में लग जाए। फिर वो आशीर्वाद देती है, बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब घर में सुखी साथ हो। लेकिन जिस घर में ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, भले ही अरब खरबपति तुम हो जाओ, वो घर में कभी शांति सुख आ ही नहीं सकता है। ये भागवत कथा है, कृष्ण कहता है वो घर में करोड़पति बन जाओ, लेकिन वो लक्ष्मी घर में शांति नहीं देगी। बोले क्यों? लक्ष्मी को तुम बुरे काम में लगा रहे हो, लक्ष्मी को भोग करना चाहते हो। इसलिए लक्ष्मी की दो वाहन है, कितने वाहन है? पहला नंबर उल्लू, उल्लू इसकी वाहन है। मतलब घर में अगर लक्ष्मी को अकेले बुलाओ, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले तुम तेरे को भोग करूंगा, तेरे को खाएंगे पिएंगे मकान दुकान, फिर वो उल्लू पर बैठ कर जाती है। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, किसके ऊपर बैठ करके आएगी? गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। आप देखना गरुड़ के ऊपर में कभी लक्ष्मी अकेली नहीं, लक्ष्मी नारायण बैठते हैं। मतलब लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओगे ना, फिर वो गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी नारायण दोनों आए, फिर अपना घर को भगवान की धाम बनाएंगे। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? क्या करना? सात दिन तक कथा सुन, एक काम करना, घर में जो कुछ खाना बनती है, ठाकुर को भगवान गोपाल होएंगे, भगवान राम होएंगे, पहले इनको भोग लगाओ, तुलसी पत्ते से ठाकुर जी को भोग लगाओ। अगर शंकर जी हो, देवी हो, गणेश हो, हनुमान हो, ठाकुर जी को कृष्ण राम को भोग लगा करके ये प्रसाद सब देवा देवी को दो, बड़ी प्रसन्न होते, बड़ी खुश होते, फिर आशीर्वाद देते। एक कथा से एक ही चीज लेकर के जाओ, जो कुछ खाना खाएंगे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। करोगे? कौन कौन करेगा? ठीक है, देखना आप स्वयं देखना, भगवान को भोग लगाकर बच्चों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ। जैसे कोई कोई माताएं कहती हैं, हम तो खा लेंगे कर लेंगे, लेकिन हमारे देवता लोग नहीं मानते, पति लोग नहीं मानते। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी के लिए बनाओ, हाँ पति के लिए अगर खाता है उसको कच्चा अलग दे दे, लेकिन तुम स्वयं बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को भी धीरे धीरे खिलाओ। देखना धीरे धीरे, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। धीरे 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 बच्चों का स्वभाव अच्छा बन जाएगा। जो बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, अब स्वयं इस चीज को अब मार्क करके देखना, तुम्हारे बच्चे का पढ़ाई में उन्नत नहीं है, बच्चा बड़े वृद्धा में बात नहीं सुनते हैं। केवल एक ही काम करना, केवल ठाकुर को भोग लगाकर खिलाओ, वो बच्चा देखना कुछ दिन बाद में इतने बढ़िया पढ़ाई करेगा, इतने अच्छा बच्चा करेगा, जिसने चंचलता उसकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अब भगवान को भोग लगा करके खाते हो, वो प्रसाद ग्रहण करते हो। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो मेरे प्रसाद को ग्रहण करेगा, घर का दुख कष्ट सारे समाप्त हो जाएगी। एक काम को गांठ बांध करके लेकर जाना, ठीक है? इसलिए हमें ये चार चीज को छोड़ना है, लेकिन ये चार चीज को हमें जोड़ना है, चार चीज को जोड़ना। बोले चार चीज क्या जोड़ेंगे? बोले पहला नंबर है, हर घर घर में ठाकुर जी की मंदिर होनी चाहिए। ठीक है ना? घर में ठाकुर जी की मंदिर रखो। ऐसे नहीं, आपका जो घर दुकान मकान हमें किया था, किसने दिया है? ठाकुर ने दिया। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। ऐसे नहीं, घर का जो सबसे रिजेक्ट स्थान है, जो बेकार स्थान, वहीं पर ठाकुर जी को बैठा दिया। अपना लिए तो इतना बड़ा बेडरूम बनाया, बढ़िया चकाचक गद्दी बनाया और बढ़िया डल्लभ, लेकिन ठाकुर जी को कहां बैठा दिया? जो घर का बिना काम का स्थान में ठाकुर जी को बैठा दिया। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत में कहते उद्धव जी को, हे उद्धव, जो मेरी जितना अच्छी तरह से सेवा करेगा वो उतना ही शांति सुख में रहेगा। जो मेरे मंदिर के लिए एक ईंट दे देता है, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में महल बना देता हूँ। ये कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। इसलिए घर का सबसे जो बढ़िया स्थान पर ठाकुर जी का मंदिर रखना,
ए बच्चे लोग गुब्बारा कौन खेलता है उसको पकड़ लो। इसलिए क्या करनी चाहिए, घर का सबसे बढ़िया स्थान पर भगवान की मंदिर बनाओ और रोज ठाकुर जी को स्नान कराओ। क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को रोज ठाकुर जी का स्नान करवाओ। बच्चों को चरणामृत दो, बच्चों को चरणामृत, स्वयं चरणामृत पियो। शास्त्र में बताया जो व्यक्ति भगवान की चरणामृत पीते हैं बोले अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में जो मृत्यु नष्ट हो जाती है, सर्व व्याधि विनाशनम, जितने रोग सुख समाप्त हो जाता है, घर में शांति सुख आती है। इसलिए भगवान को स्नान रोज कराना। हम खुद स्नान करते कि नहीं करते हैं, और ठाकुर जी को कपड़ा पहनाना। ध्यान देख रहे, सुनो इधर सुनो, ऐसे नहीं ठाकुर जी एक कपड़ा 15 दिन तक एक महीना तक पहना था, नहीं ऐसे मत करो। खुद अपना अलमारी देखो, यहाँ घर में कितने साड़ी तुम्हारी है। फिर जब कोई बढ़िया दिन आती है ना, फिर पति को बोले हमारे ऐसे साड़ी ले आ, फिर मन में जाकर साड़ी ले आएगी। अब ठाकुर जी के लिए देखो 2-3 सेट नहीं पड़ा हुआ, कितना दिन से गद्दा हो गया, उसको ही ठाकुर जी को बारम्बार उसको पहनाते, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। भगवान द्रौपदी को इतने वस्त्र क्यों दिए, जब भगवान द्वारका में थे, भगवान परीक्षा कर रहे थे, भगवान की अंगुल कट गई, और क्या करनी चाहिए, ब्रांडेज करनी चाहिए। वहां पर कृष्ण का महिषी लोग भी थे, लेकिन एक एक जो साड़ी करोड़ों करोड़ रुपया की साड़ी उसको फाड़े कैसे, लेकिन वहां द्रौपदी भी थी, वहां पर द्रौपदी भी थी। इतने में द्रौपदी देखते देखते अपना साड़ी को फाड़ दी, फाड़ करके भगवान की अंगुल में उन्होंने ब्रांडेज कर दी। भगवान इतने रीझ गए, इतने रीझ गए ठाकुर जी, बोले द्रौपदी की मैं कब रीणी उतारू, इसकी रीणी कब मैं उतारू। जब धरी सभा में उसकी लाज जा रही थी, कृष्ण स्वयं वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत समाप्त हो गया, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी ना, स्वयं नारी साड़ी बन गई। अब लोग जानते हो, अगर भगवान के लिए इतना करना, हमारे लिए ठाकुर इतना करेंगे। ध्यान देख रहे सुनो, लेकिन ये दुनिया के लिए हम सब जानते हो, सारा जीवन किसकी सुख के लिए, सारा जीवन किसकी प्रसन्नता के लिए लगा दो, सारा जीवन। लेकिन कोई थोड़ी सी भूल भूल चुक हो जाए ना, वो झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किए हो। आप बताओ, पति का सेवा करते हो, पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा, अभी तो कोई खुश हुए तुम्हारी घर में, अभी तो कोई संतुष्ट कर पाए किसको दुनिया में। बेटा खुश हो गया ना, पति खुश हो गया ना, पत्नी खुश हो गई ना, बच्चे अभी तक तुम्हारी पर कोई खुश हुए हैं। दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारा कन्हैया ऐसे है, भाग्य बिहारी ऐसे है, इतना करना तुम्हारे लिए इतना करेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय नहीं, हम उन्हीं के लिए नहीं करते, दुनिया के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्या करना, भगवान के लिए भी जब जब कोई त्योहार आए, अपना बच्चे के लिए पहले कपड़ा मत खरीदी करो, पहले खरीदी करो कृष्ण के लिए। घर में जो लड्डू गोपाल होगा कृष्ण होंगे, अपना बेटे के पहले चिंता मत करो, असली बेटा कृष्ण है, ये असली बेटा तुम्हारी है। पहले भगवान के लिए लाओ, फिर अपना लिए लाओ। अपना लिए पहले साड़ी मत लाओ, पहले दुकान में जाओ, भगवान के लिए पहले थोड़ी सी कपड़ा ले, फिर अपना लिए, ठीक है ना। जैसे हमारी इच्छा होता है हर समय हम नए नए कपड़ा पहनेंगे, क्या ठाकुर की इच्छा नहीं होती, ठीक है। ठाकुर जी को सुंदर करके ठाकुर जी को श्रृंगार करना। देखो ध्यान देकर सुनो, शास्त्र में उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार कर, बढ़िया से श्रृंगार कर, और शीशा का सामने खड़े हो जाओ, देखना उसमें जो परछाई पड़ेगी, ये परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर जैसे सज जाती है ना, ये परछाई अपने आप सज जाती है कि नहीं। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को श्रृंगार करो, परछाई अपने आप सज जाएगी। मतलब है जब हम भगवान को श्रृंगार करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे, जितने सुंदर तरीका से ठाकुर को सेवा करेंगे, तुम अपने आप जीवन में सज जाओगे, अपने आप सज जाओगे। क्यों, तुम भगवान को सजा रहे हो, तुम अपने आप सज जाओगे, ठीक है ना। इसलिए पहला नंबर है घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा ठीक से करो, जितने अच्छे तरह से करोगे ठाकुर खुश होगा ना, घर में परिवार भी खुश होएगा।
देखना अपने आप खुश होंगे जितने ठाकुर को सुंदर स्वीकार है। इसलिए पहला निष्ठा ठाकुर निष्ठा, दूसरी निष्ठा है तुलसी। हर घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। किसकी किस घर में तुलसी वृक्ष है? तुलसी के वृक्ष किसको किस घर में? बहुत अच्छी बात है। देखो जब भगवान ये दुनिया छोड़कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए? तुलसी। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले वाक्य भी आ रही, बोले वृंदावन का मतलब क्या? बोले वृंदा मतलब तुलसी, बना मतलब जहाँ तुलसी की बने, और तुलसी साक्षात लक्ष्मी। हाँ देखो शास्त्र में बताया जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी की पौधा होगी, तुलसी लक्ष्मी है, उसकी घर में उतना पैसा है, उतना पैसा उसका घर में आएगी। आप किसकी इसी घर में देखना तुलसी रहती नहीं, लगाओ मर जाती है तुलसी, ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए ये तुलसी को जितने अच्छे तरह सेवा करोगे आपके हृदय में भक्ति उतना आएगी ठाकुर जी की भक्ति। इसलिए रोज सवेरे स्नान करके तुलसी में पानी दो, तुलसी को आरती करो, तुलसी परिक्रमा करो। राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त होती? बोले तुलसी पूजा करके। तुलसी पूजा करके राधा रानी कृष्ण को प्राप्त करती है, भगवान की भक्ति देने वाले तुलसी। इसलिए हर घर घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए। अभी हम कथा सुना रहे थे ना, हनुमान जी कहाँ पर उतरे हैं? हनुमान जी कहाँ पर उतरे हैं? वो तुलसी को देख करके उन्होंने उतरे। वो लगा जरूर ये कोई भगवान की भक्त होगा जिसमें तुलसी वृक्ष है, ठीक है ना। इसलिए हनुमान जी तुम्हारी घर में आ जाएंगे, तुलसी वृक्ष देखेंगे तो ठीक है। इसलिए तुलसी वृक्ष की रोज पूजा करो, और गले में तुलसी की कंठी भी, तुलसी कंठी गले में तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, ठीक है ना। पहले मैंने बताया था अगर आप विदेश जाना चाहते हो आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए? पहला नंबर क्या है? पासपोर्ट। दूसरा नंबर? वीजा। तीसरा नंबर? टिकट। तभी आप विदेश में जा सकते हो। क्या उसी तरह अगर जो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जाना चाहता है उनको पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कट्टी होनी चाहिए, ये पहला नंबर पासपोर्ट है। क्योंकि जब महाराज उनको दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको हमारे पास में मत लाना। जब दूत ने पूछा प्रभु पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ तो लक्षण होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया? बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है इसे किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, इसलिए पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताओ? क्या होनी चाहिए? पालतू होनी चाहिए, भगवान की पालतू होनी चाहिए। अगर गले में तुलसी कंठी होएगा ना तभी ये जमदूत कभी नहीं लेगा आपको, दूर से आपको प्रणाम करेगा। आप लोग वृंदावन में जाओ, मैंने तो पहले आपको बहुत बात बताया। अब वृंदावन में कौन कौन गए? वृंदावन में देखना वहां जो अंग्रेजी मंदिर मिलेगा, अंग्रेजी इस्कॉन मंदिर मिलेगा, आप जाकर देखो कहाँ लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइनी, आप देखना सब विदेश के लोग जो गले में तुलसी कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, सबके सब भगवान की भजन करते हैं, माला जप करते हैं, देखे है ना, देखे होंगे वो विदेशी लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, हैं? इसलिए सब लोग गले में तुलसी की, जरूर गले में तुलसी की कंठी पहनना, ठीक है। दूसरा नंबर किया पासपोर्ट, उसके बाद में वीजा। बोले वीजा क्या है? बोले वीजा ये तिलक है। ये मैंने पहले बहुत बात बताया, अभी ज्यादा नहीं बात बताता हूँ। तिलक लगानी चाहिए, तिलक का बड़ा महत्व है। आप लोग तो हिंदू है, देखना जब कोई बच्चा नहीं तो कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए, हम क्या करते हैं? तिलक लगा कर भेजते हैं, बेटा तुम्हारी काम बन जाए, हैं? तुम्हारी काम बन जाए। जैसे घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा सबसे पहले तिलक लगाएगा, तिलक के बगैर वो पूजा नहीं करवाता है। ये तिलक नहीं करिए तुम्हारी वीजा है। और हम जो तिलक लगाए ना ये गोपियों की चरण धूलि है, गोपियों की
ये चरण धूलि ये जहां तक नहीं मिलता है, इसको नारद जी ब्रज से द्वारका लेकर गए, भगवान का स्नान कराया गया। अब भगवान कृष्ण को देखो पीछे तिलक लगाए गए, हनुमान जी को देखो तिलक लगाए गए, नारायण का तिलक तो आधा मुंह भरा हुआ नारायण का तिलक नहीं, राम को देखो लक्ष्मण को देखो तिलक लगाए गए, ठाकुर तक भी तिलक लगाते हैं। जैसे आप लोग माता है, पहले मैं बताया था ना, कोई कोई कहते हैं दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, अंदर अंदर में रखो ना तिलक पट्टी लगा कर तिलक घूमते रहो, नहीं दिखाने का भी जरूरत है। जैसे आप लोग माताएं कुछ सधवा माताएं कुछ विधवा, हमें पता कैसे चलता आप सधवा हो, मां भरे हो है ना, सिंदूर लगाए हो, मंगल सूत्र पहने हो, हाथ में शंखा पहने हो, नाक में बेसर पहने हो है ना, पता चलता है ये सधवा है, ये पता तभी तो चलता है ना। लेकिन जब पति के लिए हम इतने श्रृंगार करते हैं, ये पति कब बने, शादी से पहले कोई मतलब था, कोई मतलब नहीं था, अगर बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया डाइवोर्स हो गया तो गया क्या, अगर रहेगा तो जब तक जिंदा उसके बाद में, जब दो दिन के लिए हम इतने श्रृंगार भर लेते हैं, जो जन्म जन्मांतर का जो पति है जो परम पति, उनके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं, उनके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो है। इसलिए ये तिलक बननी चाहिए, मेरे ठाकुर क्यों तिलक लगाते, ठीक है ना। और जो तीसरा चीज जो टिकट है बोले भगवान के नाम, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कदि ये टिकट हमारी है, देखना जीवन में जो कुछ करो जब अंतिम समय आएगा जब शरीर छूटेगा यही बोलते बोलते ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना, सबके सब हरि नाम जप करना, सबरे नहा धो करके थोड़ी समय भगवान के लिए दो, कम से कम कुछ माला जप करो, फिर दिन भर तो फिर अपना काम करते रहो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम करो, बस बड़ा पार हो गया। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया, मैंने आपको बताया था ना चार बहुओं की कथा सुनाई थी, कथा सुनाई थी ना किसकी, चार बहुओं की कथा सुनाई थी ना, याद है किसको, किसको याद है, बोले चार बहुओं की कथा किसकी याद है, हाथ उठाओ किसको याद है चार बहुओं की कथा, आप बताओ कौन सा नंबर बहू लास्ट में गई है, कौन सा नंबर बहू गई, कौन सा नंबर, कोई कोई बोल सकता है वो कथा किसको याद है, कोई कोई बोल सकते हो कथा किसको याद है, कोई बोल सकते हो, कौन बोल सकते खड़ी होकर कथा को, कौन बोल सकते हो, कौन बोल सकता, हाथ उठा कौन बोल सकता, हाँ मैंने बताया ना आपको चार बहू कथा सुनाई ना, पहला बहू कौन थी, ये शरीर है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको पूछे भैया तुम साथ में चलोगी, उसने क्या बोला, एक कदम भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं, मतलब जिस शरीर को हम इतने ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं, जिम में जाते हैं, चबन प्रास स्वर्ण का भस्म खिलाते हैं, शरीर छूटते ही शरीर यही कहीं रह जाती है, हैं? दूसरी नंबर बहू कौन थी, पैसा, जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी, जब उसपे बोले तू साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रही तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या, ये शरीर छूटते ही ये पैसा दूसरों के पास में ट्रांसफर हो जाती है, वो दूसरे से शादी कर लेती है, वो भी चली जाती है। तीसरी नंबर वो कौन थी, जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था,
मन की बात करता था, कभी ये कौन है, बोले ये परिवार वाले हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी को बोले साथ में चलोगी, बोले दरवाजा तक चल सकती हूँ, बोले आगे, बोले आगे नहीं। परिवार को बोले कहाँ तक चलोगे, बोले शमशान तक चल सकते हैं, बोले उसको बाद में, फिर बोले टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे, बोले आगे, बोले आगे और नहीं चल सकते हैं। तीसरी नंबर बहू यहीं पर गई, और जो चौथी नंबर बहू जो थी, जिसको राजा जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखा था, बेकार, किसी काम की नहीं, कभी उससे पूछा भी नहीं साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछा ही नहीं। लेकिन जब वो चौथी नंबर रानी से पूछा साथ में चलोगी, बस वहीं चलने के लिए राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे को झांक करके भी एक बार नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी तुमने पूछा नहीं। जो तुमने मेरे लिए किया किया, तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को खाना खिलाऊंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य हुआ, जिनके लिए हमने जिंदगी दिया वो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी है। कहती है चौथे नंबर पत्नी कौन है, बोलो कौन है, बोले भगवान के नाम है, ठाकुर जी की भक्ति है, ठाकुर जी की नाम है, है? इसलिए जीवन में उसको ही सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखे। बोले भैया एक दो माला कर लो, बोले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ है, टीवी देखने के लिए समय है, बहू बेटियों की बात करने के लिए समय है, सिनेमा जाने के लिए समय, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए समय है, लेकिन जब बोलो एक दो भैया माला कर लो, भगवान के नाम जब कर लो, बोले समय कहाँ हमारे पास, हमारे पास समय कहाँ है, जिसका कोई काम धाम नहीं है ना, वही सब बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं। लेकिन भैया जो कुछ कर लो, लेकिन अंतिम समय में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए बीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कांगाल हुए हैं। इसलिए यही धन ही अंतिम समय में हमारी साथ जाने वाली है। इसलिए देखो ये जो भागवत का जो सार है ना, यही ठाकुर जी का नाम है। आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुने, लेकिन ये कथा सुने कि नहीं सुने इसका प्रमाण क्या है? आप लोगों ने कथा सुनी कि केवल यहाँ पर बैठे और कथा समाप्त होकर होते ही चले गए, इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण है अगर 7 दिन की कथा को बाद में तुम्हारी भगवान के नाम में रुचि हो गई, क्या हो गई, ठाकुर जी के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, रोज रोज अगर आप माला करते हो, पर समझना फिर तो हमने कथा सुनी है। पहले मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति मूर्ति खरीदी करने के लिए गया, देखा 3 मूर्ति है, पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला नंबर मूर्ति का कीमत है 100 रुपया, बोले दूसरे नंबर मूर्ति बोले 5 रुपया, बोले तीसरे नंबर का मूर्ति बोले 5000 रुपया, बोले भैया तीनों मूर्ति तो बराबर है, इतना फर्क क्यों, बोले 3 गिलास दूध लाओ अभी समझाता हूँ। पहला मूर्ति जिसका कीमत था 100 रुपया, उसको कान में डाला है ना, जिधर डाला उधर निकल कर गया, बोले ये सुनता तो है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 100 रुपया। जो 5 रुपया था उसको कान में दूध डाला, इधर डाला तो सीधा इधर निकल करके आ गया, बोले ये तो सुनता है लेकिन इधर सुन करके ना इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 5 रुपया। तीसरा मूर्ति का कीमत 5000, जब दूध डाला ना एक बूंद दूध भी वहां से निकला नहीं, बोले भैया इसका कीमत 5000 है। जो सुनता है जीवन में अपना जीवन में उतारता है, इसलिए हमें 5000 मूर्ति का कीमत होना पड़ेगा। कितना हजार, कितना हजार, हाँ मतलब है आज से संकल्प लेकर के जाओ, रोज हम भगवान की सवेरे विनती करके पहले नहा धो करके तिलक लगा करके ठाकुर को सेवा बुझा करके कुछ माला जप करेगी, कम से कम 2 माला तो जप करो ठाकुर जी के लिए, 2 माला तो जप करो ठाकुर जी के लिए, और यही तो अंतिम समय में जाएगी।
इसलिए मैंने आपको पहले बताया था जब श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रण दिया, आज हमारे घर में निमंत्रण है, महाप्रभु क्या बताए, बोले सबको घर में हम खाना नहीं खाएंगे, बोले किसको घर में खाओगे, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 500 साल पहले बोले प्रभु लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, तो हमारे घर में क्या खाना नहीं खाएंगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, पर भगवान बैठा करके समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1,00,000 हरिनाम करता है, 1,00,000 हरिनाम करता है वो असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, लेकिन माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, ठीक है ना। कल से माला में भजन करना, ऐसे नहीं माला में करनी चाहिए, और जो माला है ना अपने आप नहीं, नियम है किसी साधु से लेकर करनी चाहिए, किसे लेकर के, किसी साधु से लेकर करने पर उसमें ज्यादा पैसे तो फल देगा, भगवान का नाम किसी रूप में लो वो तो जरूर फल देगा, लेकिन अगर किसी साधु का हाथ से लो ना उसमें ज्यादा फल मिलता है। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, एक समय ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय कोई एक साधु किसी घर में कथा कर रहा था, उसने कहा देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन उसको घर में एक तोता था पिंजरा में, बोले सब झूठ बात है, बोले साधु ये बात को चुप रखो, ये सब झूठ बोल रहे हो, भगवान का नाम लेने से जीव उधार हो जाता है। वो साधु ने कहा भैया तू ऐसे क्यों कह रहे हैं, बोले मेरे को देखो मैं एक छोटी सी पिंजरा में रहता हूँ, जो आता है ना सबको राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, जो आता है सबको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, ये छोटी सी पिंजरा से अभी तक मेरे को मुक्ति नहीं मिली, अब तू कह रहे हो भव सागर से पार हो जाता है, ऐसे बेकार बात, चुप रखो। वो चुप हो गया, उसको समझ में नहीं आया। जब वो अपना मठ में आया अपना गुरु जी को ये बात बताया, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे एक तोता ऐसे बोल रहा था, गुरु जी ने कहा देख बेटा कल मैं तेरे साथ में जाऊंगा तुम कथा सुनाना, फिर दूसरे दिन गुरु जी साथ में आए, बोले जाओ तुम कथा सुना। अब वो तोते को पास में खड़े रहे, फिर वो साधु ने कहा देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है वो भवसागर से पार हो जाता है, फिर तोता वही बोला ए साधु बाबा चुप रहो, क्यों ऐसा बेकार बात करते हो, तुम मेरे को देख लो ना, ये छोटा सा पिंजरा से अभी तक मेरे को मुक्ति नहीं मिली, मैं सबको राम राम कृष्ण कृष्ण सबको मैं बोलता हूँ, अभी तक मेरे मुक्ति नहीं मिली, तू कहते भवसागर से पार हो जाएगा। इतने में उसको पास में उसको गुरु जी ने खड़े थे, बोले देख बेटा तू राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोलते हो, लेकिन ये जो नाम है ना किसी साधु से तुमने ग्रहण नहीं किया, तुम किसी साधु से ये नाम ना ग्रहण नहीं किया, इसलिए संसार से पार नहीं हो पा रहे हो, ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिलती है। तब तोते ने कहा भैया आप ही मेरे को नाम दे दो, आप ही दे दो। देखो साधु ने उसको कान में मंत्र दिया, भगवान का नाम बोला, देखो बोले देखो तेरे को मैं एक एक बात सिखाता हूं, तब तक ये पिंजरा में रहोगे लेकिन जब तक तुम अपना एक बहाना नहीं बनाओगे, बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले जब ये कथा समाप्त हो जाए ना तुम ऐसे व्यवहार करना ऐसे नाटक करना जैसे तुम मर गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई, फिर तेरे अर्थी निकालेंगे, जब अर्थी निकालेंगे ना बस फर्र कर उड़ जाना। इतने में उसने साधु से भगवान का नाम लिया और ये मंत्र दे दिया, जब भागवत कथा समाप्त हो गई कथा, इतने में वो तोता ने बस मरने का बहाना बना दिया। लोग ने कहा भैया इस तोता का जीवन धन्य है, देखो ये कथा सुनते सुनते उसने शरीर को छोड़ दिया, कितने पुण्यात्मा, चलो इसके हम अर्थ निकालते हैं। अभी तोता की अर्थ निकाल, जब पिंजरा से निकाले अर्थी में माला सुंदर माला गला में पहनाए, जब उसको अर्थी निकाल क्योंकि ले जा रहे थे ना, इतने में तोता ने फर कर गुड़ गया। इतने में वो साधु ने पूछा भैया ये बताओ किसी साधु से
भगवान का नाम लेने से उसको मुक्ति मिलती है कि नहीं? बोले हाँ मिलती है, तभी मिलती है जब किसी साधु से मंत्र ग्रहण करो, अपने आप मुक्ति नहीं मिलती हो भर कर मिल गए। उसी तरह जब तक हम किसी साधु से नाम नहीं लेते हैं तब तक ये मंत्र करोगे। हमारे जीत पर बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक गोली हो, अगर ऐसे फेंक करके मारोगे ना चोट तो लगेगी लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन इसकी बंदूक के अंदर में गोली को देख कर मारो क्या होगा, इस पार से उस पार हो जाएगा, प्राण ले लेगा। उसी तरह जब हम किसी साधु से नाम लेकर के करें फिर तो इस पार से उस पार हो जाता है। मतलब क्या, इसी जगत से हमें भगवान की जगत तक ले जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे आज, क्या व्रत रखे हो? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। इसलिए चार वस्तु लेना और चार वस्तु छोड़ना और एकादशी व्रत जरूर करना, ठीक है ना? मैंने पहले आपको बताया एकादशी नहीं ये कल्प व्रत है। एकादशी व्रत करके जो मांगोगे, मैंने आपको सब कुछ पहले बताया। एक एकादशी का नाम पुत्र था, नंद बाबा के घर में पुत्र नहीं था, वो एकादशी व्रत किया तो भगवान कृष्ण स्वयं बच्चे बन करके आए। इसलिए एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत करने से लक्ष्मी आती है। एक का नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में खूब अर्ण आता है। एक का नाम पापमोचनी, जिसको करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप एकादशी को पढ़ करके देखना, हर एकादशी का अलग अलग है। इसलिए मतलब जैसे कोई सोम, कोई मंगल, कोई बुधवार करते हो उसका एक ही फल है, लेकिन एकादशी का फल सब कुछ, एकादशी में सब कुछ मिलता है। जो कुछ मांगो बड़े से बड़े दुख चले जाते हैं, घर में सुख शांति आती है। इसलिए जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना? एकादशी व्रत जरूर रखियो। हाँ, और एक चीज है, जैसे देखो हम तो साल में एक बार आते हैं, साल में हम एक बार ही आते हैं। अगर कभी बीच बीच में आप लोग कभी याद कर ले तो तभी हम कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन कथा साल में एक बार आते, कथा साल में एक बार होता है। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में हमारे श्री राजकुमार प्रभु जी, कहाँ राजकुमार कहाँ है, हे राजकुमार जी, राजकुमार कहाँ है? हाँ, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर सत्संग होती रहती है, बीच बीच में सत्संग होता है, कीर्तन होता है। हमारे कुछ भक्त लोग वहाँ पर है, हैं पुरुषोत्तम प्रभु, राजेंद्र प्रभु, ऐसे कुछ भक्त लोग हैं जो कि 15 दिन में, कभी एक सप्ताह में, कभी कभी ये लोग सत्संग करते हैं, कभी कभी सत्संग करते हैं, जिसमें भक्त लोगों को बुलाते हैं, बुला करके हरि कीर्तन कथा होती है। देखो ये जो भक्ति है ना, ध्यान देकर सुनो, जैसे कि गमला है उसमें अगर कोई पेड़ को आपने लगा दिया, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो बताओ कब तक जाएगी, कब तक? एक दिन बाद में फिर धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगी। ये जो कथा है ना, ये पानी का काम करता है। जैसे मैंने कितना उत्साह देकर गया, हरिनाम करो, तुलसी पूजा करो, ठाकुर को सेवा करो, एकादशी करो, लेकिन धीरे 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 ना यहाँ पर एक माता जी बैठ गई, बोले बाबा कुछ दिन तो गले में लटक दी, मैंने माला जम की, उसके बाद में जहाँ तहाँ लटका दिया। बोले कारण क्या? बोले कारण है हमने भक्तों का संग नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ माताएं जो आती रहती है, देखो यहाँ पर देखो इनकी माता जी बैठ गई, और हमारी कुछ कुछ माताएं हैं जो हर सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन इनको देखो तिलक लगा दिया, ये तिलक लगा है गले में करती है, इनको पूछो कितने माला करती है, कोई कोई 16-16 माला, कोई 32-32, कोई 64-64 माला कर रहे हैं। कारण है वो पौधा में पानी दे रहे हैं, पौधा में पानी दे रहे हैं, इसलिए वो पौधा पनपनाते हुए बढ़ रही है। अगर आप पानी नहीं दोगे ना, बस दो दिन बाद मर जाएगी। ठीक है, हम चाहते हैं आप लोग अपना नाम और फोन नंबर इनको दे दो, ये मैसेज करते एकादशी कब आएगी, आपको पता नहीं चलेगा तो एकादशी कर ही नहीं सकते। कौन सा व्रत आएगी, कार्तिक व्रत जैसे आ रही है, सबसे 12 महीना में श्रेष्ठ व्रत है, कार्तिक महीना कैसे पालना करनी चाहिए, कार्तिक सॉरी श्रीमती राधा रानी, वो कार्तिक महीना की इतने महत्व है, इतने महत्व है। एक दिन अगर कोई व्रत रख लिया ना, सारा साल का व्रत का फल मिल जाती है। बहुत बड़ी व्रत कार्तिक महीना व्रत है, सारे विश्व का लोग आते हैं वृंदावन में परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं।
इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप लोग चाहते हो धीरे धीरे इसी जीवन में ही हम जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल मुक्त होकर के ठाकुर के पास में जाना चाहते हैं, आप लोग जुड़े रहो, ठीक है ना, जुड़े रहना। एक कापी और एक पेन रख देना, किसी व्यक्ति को दे दो कापी पे, आप लोग जाते समय अपना फोन नंबर दे जाना, ठीक है, अपना फोन नंबर नाम दे दो, फिर ये व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते, आज यहाँ पर कथा होगी, यहाँ पर ऋषि व्रत होगा, ये व्रत करो, एकादशी आज ये है, इतने समय पर व्रत, अब ये बोलते रहेंगे, ठीक है ना, इतना काम जरूर करके जाना, फिर तो आपका भक्ति जरूर इसी जीवन में आप ठाकुर के पास में जा सकते हो, ठीक है। अभी हमारी इसी कथा में हमारे जीत प्रभु, ये जीत प्रभु जी ये नोएडा से आए हैं, वहाँ के पूरा हमारे जो प्रचार है, अभी वहाँ पर एक मंदिर बनने जा रही है, इन्होंने पूरा कथा को और यहाँ पर हमारे दामोदर प्रभु जी है वो आए हैं, अभी जीत प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, हाँ उसके बाद में फिर हमारे कौन है रुक्मिणी विवाह होगी, सुदामा की कथा होगी, फिर सबके सब प्रसाद लेकर ले जाना, ठीक है। और जो कल है ध्यान देकर, जो कल है आज तक कथा की विश्राम हो जाएगी, कल एक यज्ञ हम करने जा रहे हैं, हम तो करना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों ने बताया नहीं आप पिछली बार भी यज्ञ नहीं किया, जब तक यज्ञ नहीं करते कथा की विश्राम नहीं होता है, इसलिए कल हम लोग भी यज्ञ करेंगे सवेरे 8 बजे। लेकिन वो जो यज्ञ है वैष्णव होम है, जिसको तरह भगवान की भक्ति होगी, उसमें जो आहुति डालते हैं ना, भागवत में जितने संतों का चरित्र सुने हैं उनका नाम पर आहुति डालते हैं, और उसमें एक नरसिंह भगवान की भी एक आहुति दी जाती है, नरसिंह भगवान की, जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को हर विपत्ति से रक्षा की, अगर उसमें आहुति डालोगे ना जीवन का जितने दुख कष्ट खत्म हो जाएगी, जैसे किसका काल सर्वजोग है, किसका शनि ग्रह की उसके ऊपर में उल्टा पुल्टा जोग, इसलिए अगर उसमें आहुति देने पर वो सारे ग्रह फ्रह जितने सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए कल करेंगे। आप लोग अपना घर से थोड़ी सी खीर लेकर आना, ठीक है, खीर हो, थोड़ी सी हवन सामग्री हो, नहीं तो गोला हो, थोड़ा थोड़ा लेकर आना अपना घर से, और उसको आहुति कल वैष्णव होम से आहुति डालेंगे, फिर उसको परिक्रमा करना और जो कुछ मांगना अब उससे मांग लेना, ठीक है। लेकिन कल मेरी कथा है, कल फरीदाबाद से फिर 12 बजे तो मेरी कथा है, इसलिए मेरे पास में समय नहीं है, इसलिए एकदम 8 बजे सवेरे हम करेंगे, 8 बजे मतलब ये मत समझो 9 बजे करेंगे, क्यों नहीं, 8 बजे ही हम करेंगे, हम करके फिर मेरे को जाना पड़ेगा दूसरी कथा के लिए, इसलिए करके फिर हम चले जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए जितने सवेरे जल्दी आ सकते हो आ जाना, और कल इसका पूर्णा होगी। और राजकुमार जी ऊपर आ गए, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, पञ्चाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा। अगर किसकी इच्छा होगी हम माला गले में पहनना चाहते हैं और भगवान के नाम जप करना चाहते, अगर कोई चाहते हो कल सवेरे जब आओगे यज्ञ में आप लोग माला ले लेना। देखो हम दो तरह का माला देता है, पहला नंबर अगर कोई प्याज लहसुन छोड़, मांस मांस मछली नहीं खाते, प्याज लहसुन तक भी अगर कोई छोड़ दे फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं जप करने के लिए, गले में भी तुलसी माला पहनने देते हैं। अगर जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे चीज़ को,
एक साथ में छोड़ नहीं सकते। फिर हम उनको नीम की माला देते हैं, ये माला में धीरे 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 नाम अब जितने जप करोगे धीरे 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 वो चीज़ अपने आप खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाएगा हम बीच बीच में आते रहते हैं, साल में आऊँगा फिर हम तुलसी माला दे करके जाएंगे, ठीक है। जिनकी इच्छा होगी यज्ञ के बाद में अब माला लेने। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव और विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य कुलज्ञ स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री बंसी वदन दास प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भागवत का आश्रय के जितने भक्त लोग यहाँ पर आयोजक हैं, वैष्णव लोग, माताएं, दीदी लोग, प्रभु लोग, जितने भी कथा में श्रोता गण हैं, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी महाराज जी ने बड़ा परिश्रम करके क्या हुआ, 7 दिन तक बहुत परिश्रम करके आप लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही हित करने वाले, बहुत ही सुख देने वाले और यहाँ तक कि भगवान के चरणों तक ले जाने वाले उपदेशों को सुनाया। और अंतिम दिन महाराज जी ने सार के रूप में बताया क्या क्या करना है, कुछ परहेज करना है और कुछ दवाई लेनी है। अभी महाराज जी बहुत अच्छे तरह से बता रहे थे, पर महाराज जी एक बार बड़े दुख के साथ बता भी रहे थे कि कुछ लोग तो आते कथा में हरिनाम लेते हैं, कंठी माला में तिलक भी लगाते हैं, पर मैं चला जाता हूँ। महाराज जी बोले यदि हम चले जाते हैं तो 10 दिन के बाद छूट जाता है, छोड़ देते हम लोग, या 20 दिन बाद, या कोई 1 महीने में करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता ही है और होगा भी क्यों? एक बैटरी होती है ना, बैटरी मोबाइल की बैटरी कितने समय चलती है, वो चलेगी जो जितना यूज करोगे उतना चलेगी और एक दिन में चार्ज करनी पड़ेगी। यदि चार्ज नहीं करेगी तो बैटरी मोबाइल काम करेगा? इसलिए छोटे से मोबाइल को चलाने के लिए क्या करना पड़ा है, रोज चार्ज करना पड़ता है। ऐसे हम लोगों को भी क्या है, जो कथाओं को सुना है उनको रोज की रोज स्मरण करना पड़ेगा। और कैसे, देखो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा हम लोग क्यों निरुत्साह हो जाते हैं और हम लोग क्यों भजन छोड़ देते हैं। एक बार एक गुरुदेव के दो शिष्य थे, गुरुदेव के दो शिष्य थे, देखो कितने सारे यहाँ पर बैठे हैं और महाराज जी ने सभी को कथा सुनाई है, सभी लोगों ने सुनी भी है, कोई तो पूरा पालन करता है, कोई आधा पालन करता है, कोई बिल्कुल पालन नहीं करता। तो जितने भी श्रोता बैठे हैं यहाँ पर सभी एक समान नहीं है। जैसे स्कूल में होते हैं ना स्टूडेंट, कोई तो 100% मार्क लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 80% लाता है, तो श्रोता भी ऐसे होते हैं। तो गुरुजी के दो शिष्य थे, तो गुरुदेव कथा सुना रहे थे। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम करना, ये जो आम की गुठली है ना, ये आम की गुठली लेके चले जाओ और इसको अपने आंगन में होना और इसमें क्या करना, खाद देते रहना, पानी देते रहना और इसको रक्षा करना चारों तरफ से। और इसमें क्या होगा, दो अंकुर निकलेंगे, दो अंकुर छोटे छोटे दो अंकुर निकलेंगे और फिर चार अंकुर निकलेंगे और फिर क्या, चार पत्ते निकलेंगे, 6 पत्ते निकल के टहनी निकलेगी और फिर एक विशाल पेड़ निकलेगा और उस पेड़ पे आम के मीठे मीठे फल लगेंगे। पहले कच्चे फल होंगे, फिर मीठा फल आएगा और मीठा फल आने के बाद बहुत सुंदर आम का फल आएगा। उसको तुम क्या करना, घर के आगे छाया भी देगा, घर के आंगन में छाया भी देगा और भगवान को भोग लगा के खाना वो, और उसका व्यापार भी कर सकते हो। 1 क्विंटल आम निकलेंगे, 2 क्विंटल आम, तुम बहुत, घर भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा, सब काम हो जाएगा। तो ये गुरुदेव किसको बता रहे हैं, दो शिष्य को कथा सुनाई, दोनों ने सुनी एक ही कथा तो, और दो पुतली दी, एक शिष्य के हाथ में दी और दूसरे शिष्य के हाथ में दी। तो शिष्य तो जाके बैठ गया, पहले शिष्य ने क्या किया, बैठ गया और बैठ के गुठली को मिट्टी में बो दिया और बोने के बाद क्या हुआ, 1 घंटे बैठ गया, 2 पत्ते निकल ही नहीं रहे। 2 घंटे बैठा, गुरुजी ने कहा 2 पत्ते निकलेंगे,
चार पत्ते निकलेंगे, टहनी निकलेगी, पेड़ निकलेगा, मीठे मीठे आम के फल आएंगे और उसे तुम व्यापार करना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारे आंगन में छाया देगा। तो शिष्य ने एक घंटा इंतजार किया। अब शिष्य ने कहा, अरे पत्ते नहीं निकल रहे, पत्ते नहीं निकल रहे, थोड़ी थोड़ी देर मिट्टी खोद के देख रहा है पत्ते कब निकलेंगे। तो दो घंटे भी इंतजार किया शिष्य ने, जब दो घंटे में भी पत्ते नहीं निकले तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा आने लगा गुरुदेव के ऊपर। गुरुदेव कहते दो पत्ते निकलेंगे, टहनी निकलेगी, आम होगा, ये होगा, वो होगा। अब तीन घंटे जब बैठा हो तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने चौथे घंटे में क्या किया, गुठली को तो निकाला, मिट्टी से निकाल लिया। और गुरुदेव जैसे कथा कर रहे हैं ना, यहाँ पर कथा कर रहे हैं, वो शिष्य वहाँ से आया गेट से और इतनी दूर से आकर माथे पे मारा गुठली सर गुरु जी की। ये कहते एक पत्ता निकलेगा, दो पत्ता निकलेगा, चार पत्ता निकलेगा, आम का फल आएगा, मीठे आम आएंगे, व्यापार करना, छाया देगा। गुरु जी तो ऐसे देखे, गुठली लगी गुरु जी के सर में बड़ी जोर की, तो गुरुदेव तो शांत बैठ गए। अब क्या हुआ, दूसरा शिष्य, तो गुरुदेव कह रहे समझ नहीं पाया मेरी कथा को। तो दूसरा शिष्य क्या हुआ, दूसरे शिष्य ने इंतजार किया, गुरुदेव ने यह भी बात बताई थी, बेटा धैर्य रखना, उत्साह निश्चय धैर्य, ये धीरे धीरे होगा, ऐसा एक घंटे आधे घंटे में नहीं होगा। तो दूसरे शिष्य ने भी नोट किया। तो दूसरे शिष्य ने 15 दिनों तक इंतजार किया। जब 15 दिनों के बाद खाद भी देता रहा, थोड़ा थोड़ा पानी भी चारों तरफ से, वो उसकी बाढ़ भी लगा दी। जैसे ही दो पत्ते निकले आम की गुठली से, दो धीरे धीरे थोड़ा सा अंकुर निकला, शिष्य बड़ा खुश हो गया, अभी गुरु जी के पास नहीं आया। गुरुदेव जो बोलते थे बिल्कुल ठीक बोलते थे, गुरुदेव ने जो बोला वैसे ही हो रहा है। अभी एक महीना हो गया, एक महीने के बाद दो पत्ते और निकले उस आम के गुठली में। अभी शिष्य तो गदगद हो गया, गुरुदेव मेरे सत्य बोलते, गुरुदेव बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते थे। चार पत्ते निकल गए और धीरे धीरे दो महीने तीन महीने में 6 पत्ते निकलेंगे, टहनी निकल गई पूरी इतनी बड़ी। और गुरुदेव का बेटा इसकी पशु पक्षी से रक्षा करना, बाढ़ लगा देना। उसने लगा दिया, अभी भी गुरु जी के पास नहीं आया, बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा सुखी हो गया। धीरे 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 करके बहुत विशाल पेड़ बन गया। शिष्य को देख के गुरुदेव को याद कर रहा है, गुरुदेव का नाम ले लेके रो रहा है, गुरुदेव हाँ गुरुदेव आप जो बोलते थे बिल्कुल सत्य बोलते थे। अभी हुआ क्या, एक दिन समय आया, मीठे मीठे आम निकले पेड़ में, बहुत सुंदर मीठे मीठे आम। तो शिष्य जैसे देख रहा है गुरुदेव की याद आ रही है, गुरुदेव का नाम पेड़ पर देख रहा है, गुरुदेव का नाम लेके रो रहा है। गुरुदेव ने कहा बेटा एक आम लेना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो जब उसने आम तोड़ा, उसमें से आम को तोड़ा, पहले बोला पहले गुरुदेव के हाथ में दूंगा। पहले व्यक्ति ने लाया, क्या लाया, गुठली, जैसी थी वैसी लेके आया और क्या किया, गुरुदेव के सर में मारा। दूसरा भी लेके आया आम, मीठे मीठे आम, सुगंधित आम। जैसे गेट से प्रवेश किया, देखा गुरुदेव बैठे, पहले ने क्या किया गुरुदेव के सर में मारा, दूसरे ने क्या किया गुरुदेव का जैसे दर्शन हुआ रोने लगा, भाई लेट गया, हाँ गुरुदेव आपने जो बोला बिल्कुल वही सत्य बात, वही घटना, अभी गुरुदेव के पास नहीं आ रहा, आंखों में आंसू आ रहे बस। और बड़ी मुश्किल से देखा, धीरे 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 करके गुरुदेव के आया, गुरुदेव आप सत्य बोलते एकदम, आपने जो बोला वही हुआ। और फिर गुरुदेव के हाथ में दिया, गुरुदेव पहला फल आपके नाम, तो गुरुदेव ने कहा, और गुरुदेव ने भगवान को भोग लगाया। तो दोनों ही शिष्य के साथ ऐसा हुआ। तो हम लोग भी इसी प्रकार के शिष्य हैं, भजन किया, महाराज जी कह रहे क्या होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे और सुख मिलने लगेगा और क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, महाराज जी बता रहे। तो होगा क्या, अब आप निरुत्साह मत होना पहले शिष्य की तरह, माला करने बैठे, अरे पति तो गाली दे रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा, अभी चुप नहीं हो रहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अभी एक घंटे जप किया और आधे घंटे जप किया, फिर क्या, गुरुदेव लो अपनी माला, ये तो परिवार में सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। कहीं ये क्या होते हैं, ये जो शिष्य होते हैं कनिष्ठ से कनिष्ठ शिष्य होते हैं, ये ठीक से बात नहीं सुना। जैसे क्या हुआ, कोई किसी व्यक्ति को टीवी हो गई, टीबी होने पर क्या होगा, डॉक्टर ने दवाई दी, टीबी ठीक हो जाएगी। तो टीबी कैसे ठीक होती है, एक दिन में टीबी ठीक नहीं होती, 9 महीने का इलाज होता है, 9 महीने दवाई खाओगे तभी तो टीबी ठीक होगी। अगर आपको कोई नौकरी लेनी है, MBBS डॉक्टर बनना है, IAS PCS बनना है, तो कैसे बनोगे,
पहले नर्सरी पढ़नी पड़ेगी, केजी पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्वेल्थ करनी पड़ेगी, फिर जाके ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आईएएस पीसीएस बनना पड़ेगा, फिर जाके कोई जॉब मिल सकती है आपको, एमबीबीएस करना पड़ेगा। जब इस संसार में कामयाब होने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ता है, और भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को क्या एक दिन में मिल जाएगा? इसलिए कभी भी निरुत्साहित मत होना, जो महाराज जी ने बात बताई है वो ही करना, उससे क्या होगा? नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नष्टी, निरंतर करना, एक दिन भी नागा नहीं करना, छोड़ना नहीं। नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, उससे क्या होगा? रजस तमो भावा काम लोभ दास्यचे, तुम्हारा क्या होगा? क्रोध ईर्ष्या द्वेष मोह आलस्य जड़ता सब नष्ट हो जाएगी। रजस तमो भावा काम लोभ दास्यचे चेत एतन्निमित्तं स्थिते सत्वे प्रसिद्धि, और तुम्हारा हृदय सात्विक हो जाएगा जैसे उसका हुआ था ना, और भगवान का स्मरण होने लगेगा। तो ऐसे ही करना, घबराना नहीं, जरूर भगवान कृपा करेंगे, पर क्या करना है? कभी भी निरुत्साहित नहीं होना है। दो चीजें, एक तो डॉक्टर ठीक होना चाहिए, एक दवाई ठीक से लो। कभी कभी दवाई ठीक से लग रहे ले रहे हैं पर डॉक्टर ठीक नहीं हुआ, तब भी नहीं होगा। एक डॉक्टर ठीक है पर दवाई ठीक नहीं ले रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों को ठीक करके रखना, महाराज जी के अनुसार भगवान की सेवा करना, तुलसी की परिक्रमा लगाना, भगवान को भोग लगाना, नाम, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना। ये चार काम करके देखो, धीरे धीरे क्या होगा, दो अंकुर निकलेंगे। दो अंकुर का मतलब जो भी बताया, काम क्रोध ईर्ष्याएं कम होने लगेंगी। चार अंकुर के मतलब तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी, सुख आने लगेगा। और छह अंकुर का मतलब इतना आनंद आएगा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा। इसकी बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या है, अभी समय नहीं है, इसलिए आप लोग करना। और बहुत सौभाग्यशाली लोग कथा में सुन रहे हैं, अपने घर में टीवियों को छोड़कर आए, घर में काम काज को छोड़कर आए, और भगवान को समय दिया आपने। भगवान बड़े दयालु हैं, वो देखेंगे कौन मेरे लिए कितना समय दे रहा है। आप तो तीन तीन घंटे बैठे, अगर कोई भगवान की कथा में एक घंटे भी बैठता है, भगवान उसका ऋण चुका नहीं पाते, उसको अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग कथा सुनना, हर हफ्ता सुनना, हर 15 दिन में सुनना, बीच बीच में वृंदावन आना, कार्तिक परिक्रमा में आना, और कार्तिक परिक्रमा करना, कभी कभी नवदीप धाम आना। देखो जरूर आपके अंकुर निकलेंगे, पेट निकलेगा, फल आएगा। मीठा फल क्या है? भगवान का प्रेम मिलेगा। ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की। राजकुमार गुरुजी पर आ जाएंगे। परमराधा तुम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की। पूज्य पाद परमराधा तुम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री महाराज की। बीच बीच में ना हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, नवद्वीप धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी बीच बीच में ले जाएंगे। जगन्नाथपुरी कभी ले जाएंगे आपको, नवद्वीप धाम ले जाएंगे, चलोगे सबके सब? कभी कभी ब्रजमंडल ले जाएंगे, पूरा ब्रजमंडल घुमा कर कौन कर जाएगा? वाह वाह, सब ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अपना ना कम से कम फोन नंबर और अपना नाम को दे देना। किसको बैठा है? किसको कहाँ पर? हाँ, गिरिराज टेबल के पास में प्रभु जी के बैठे। अपना फोन नंबर दे देना और नाम इतना केवल दे देना कि बीच बीच में आपको व्हाट्सएप करते रहेंगे, अभी यहाँ पर आओ, यहाँ पर सत्संग होगी, अभी ये एकादशी, कभी कभी ये वृंदावन आते हैं, कभी कभी आपको साथ में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करेंगे आपको ठाकुर के पास में ले जाने। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाये प्रियात्मने श्रीश्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिकारिभक्त प्रसन्नवरहात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
जो वीडियो ले रहा है ना, ये संपूर्ण विश्व में जा रहे हैं कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब लोग बैठ करके मोहन नगर में कथा हो रही है ना, सब आपको दर्शन कर रहे हैं। मेरे पास में फोन आता है, हाँ इतने लोग हो गए, बहुत अच्छे लोग हैं मोहन नगर के। अरे नाम ही तो मोहन नगर है ना, ठाकुर का नगर में तो बढ़िया है, इसलिए मेरे पास में फोन आता है। आप लोगों को वहीं से सब हमारे जितने भक्त लोग आपको बैठ बैठ कर वहीं से सब दर्शन करते हैं। फिर आप अपना अपना फोन, अपना जो ये फोन होगा ना, देखिए उसमें जो मोबाइल होगा उसमें भी देख सकते हो, ये आ जाती है, इसमें आ जाती है सारी, उसमें भी आ जाएगी। फेसबुक आप लोग, हाँ फेसबुक में देखोगे ये सब उसमें आती है। मैं सर्वप्रथम श्री गुरुपाद प्रभु नित्य लीला दृष्टि जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभु सुतदंडी स्वामी शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अवचन कलयुग में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत में मेरे शिक्षा गुरुदेव मंचासीन व्यास गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्रीचन कलयुग में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य पाद वंती वदन प्रभु जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और अन्य अन्य सभी भागवत कथा विवाह श्रोत मंडली और वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा के इस विश्राम दिवस पर श्रील महाराज जी के आदेश से एक बार फिर से अवसर मिला है आप लोगों के समक्ष कुछ अपनी बात कहने का, और विशेष रूप से आज उन विशेष विशेष लोगों को धन्यवाद देने का जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। और आज उसी श्रेणी में हम शुरू करेंगे हमारे बहुत ही प्रिय, जिनको हम बहुत प्रेम से कालू अंकल कह देते हैं श्री वीर सिंह निर्वाण जी, जिनको हम प्रेम से कालू अंकल कह देते हैं, और ओम साई वाटिका के जो ऑनर है, मालिक है, और ओम ट्रेडर्स के नाम से वो अपना सरिया का काम करते हैं। मैं उनको निमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, और आप आए साथ में माता जी को भी लाए तो अति उत्तम होगा। वीर सिंह निर्वाण जी इधर आ जाओ। देखो ये जब हम यहाँ पर आए ना, मैंने कहा भैया वहाँ कहाँ कथा करवा, गुरुओं के साई वाटिका है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहे, लेकिन यहाँ पर जब आए इसको देख कर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने ये बताए, देखो कथा आप वहाँ पर करो, इधर आ जाओ, अरे बोले वहाँ पर कथा करो, मैंने कहा भैया पहली बार कथा हो रही है, पता नहीं भक्त लोग आएंगे कि नहीं, आप कह रहे हो वहाँ पर कथा करवा, हाँ ये बोले वहाँ पर कथा करो, फिर मैंने कहा नहीं पहले यहीं पर कथा साइड में कथा कराओ, हाँ भक्त लोग आएंगे तो देखेंगे, इसलिए उन्होंने पहला बार उन्होंने प्रभु ये बहुत बड़ी बात है जो पूरा के पूरा स्थान को लाइट इलेक्ट्रिक सब कुछ दे करके 3 साल से कथा हो रही है, इनकी दिल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी माता जी और इनको बहुत बड़ी है। देखो भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास में आए ना, कहते दुर्योधन को मेवा त्यागे साग विदुर घर का है। भगवान वैकुंठपति भगवान की किसी चीज की जरूरत नहीं, दुनिया की मालिक, लेकिन ठाकुर जिससे ग्रहण करते हैं ना वो बहुत पुण्यात्मा है। लेकिन ये पति पत्नी कल पति पत्नी नहीं, इनके जितने बच्चे कल जो रथ यात्रा हुई थी ना, पूरा बच्चे कल बच्चे नहीं, उनके जितने बहू हैं देखो बैठे हुए, इनके जितने बहू हैं केवल बहू ही नहीं, इनके जितने बहुओं के जितने बच्चे हैं, ये सबके सब इस बार पूरी कथा में अगली बार इन लोगों ने सब माला लिए और अपना घर में हम लोग को बुलाए, हम समझाए भगवान की भक्ति करो, ठाकुर का नाम करो, इसका पूरा परिवार स्थान दे देना ये एक बहुत बड़ी बात। लेकिन उस साथ में जितने इनके सुपुत्र हैं, चार चार जो पुत्र हैं, पुत्र वधु हैं, ये सबके सब आकर के तन मन धन हर तरह से करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम गुरु जी से और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इनके ऊपर में खूब आशीर्वाद दे, खूब फलते फूलते रहे और जीवन में खूब सुखी रहे इनके परिवार, और खूब गुरु वैष्णव के संतों की ठाकुर जी की खूब सेवा करें। आप इनके लिए खूब जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। हरि बोल। ये फटो प्रभु जी ना सारा दुनिया विश्व में जा रही है, ये फटो आपके सारा दुनिया में जा रही है। एक बार फिर से ताली बजा के और इसी श्रेणी में फिर मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे हमारे
श्री राजेंद्र सिंह चौहान श्री राधा रमन दास जी का वो आए माता जी के साथ में और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे इधर प्रभु जी ने हमारे पूरे एक महीने तक हमारे साथ में घर घर में जाके इस भागवत कथा के लिए भिक्षा किया और कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है और मन से तो सभी सेवा कर रहे हैं और सभी लोग आके बैठे हुए हैं। तो इसी श्रेणी में हम स्वागत करते हैं श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी का। उनकी धर्मपत्नी के साथ में अपना आते रहते हैं, जब हम उधर से कहीं आते हैं ना, कहीं अगर प्रसाद नहीं हो तो हमारे घर में, इसलिए हमारे घर में प्रसाद, इसलिए बड़ी उनका जो बेटे नाती पोती सब लोगों ने पूरा भगवान की सेवा में ये लोग समर्पित है। इसलिए श्री राधारमन राधारमन हाँ इनका नाम हमने ठाकुर जी का नाम राधारमन दिया है। अच्छी बात, ठाकुर जी इनको खूब सुखी रखे और इनको खुद समृद्ध बनाए और परिवार को साथ में शांति सुख रहे। और उधर माला कुछ होगा माला पकड़ पट ले, कोई यहाँ पर है नहीं कोई देने वाला, बाकी तो माता जी करा था उधर से। हाँ स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर महाराज जी के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए श्री राजवीर सिंह जी, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजवीर सिंह जी जो प्रभु जी ना इनके पिताजी हैं, ये सवेरे आ जाते हैं आकर के पूरा साफ सुथरा करना शुरू कर देते हैं। सवेरे आकर के पूरा मंचों को अच्छे तरह से साफ सुथरा करना और इनकी इनका ये सुपुत्र ये है, इनकी ये सुपुत्र है, इसलिए ऐसे उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र ने मोहन नगर में ऐसे मतलब गुरु जी के शिष्य है, ऐसे इनका पूरा परिवार ही गुरु जी की आश्रित है, पूरा परिवार है। ऐसे ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो पुत्र ने यहाँ प्रचार की थे जिसमें आप इतने भक्त लोग जुड़े हैं, हम चाहते हैं आपका घर में भी ऐसे एक के बेटा जन्म हो, ठीक है ना। आप लोग एक एक बेटे को भी ऐसे बनाओ जो सबके सब भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, पूरा मोहन नगर हो जाए, सचमुच से ठाकुर का नगर बन जाए। प्रभु प्रभु हरे कृष्ण दिया हरे कृष्णा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े प्यार हैं जो सबके दिल के प्रिय हैं, इनका नाम वैसे तो विजय शुक्ला है पर श्री महाराज जी ने उनको आदेश की नाम दिया श्री विजय कृष्ण दास। तो मैं निमंत्रित करता हूँ विजय कृष्ण दास प्रभु को, वो अपनी धर्मपत्नी और माता पिता भी जो होंगे अयोध्या से आए हुए हैं महाराज जी की कथा सुनने के लिए, वो मंच पे आए महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां दीजिए विजय कृष्ण प्रभु के माता पिता जी के लिए जो अयोध्या से महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए, प्लीज प्लीज महाराज जी की कथा सुन लें विजय कृष्ण प्रभु। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनके लिए तो शब्द मेरे पास नहीं है और फिर भी स्वागत करने को बनता है कि जितनी सेवा शायद 10 लोग मिलकर कर सकते हैं इतनी सेवा ये एक अकेले ही कर रहे हैं और इसी सेवा के बल पे आज मात्र 2 वर्ष में पिछले साल महाराज जी से उन्होंने हरिनाम ग्रहण किया, आज सिर्फ इनको इनकी सेवा के बल पे हम सब लोग जान रहे हैं और जो बाहर बाहर भी लोग हैं हमारे भक्त लोग वो भी इनको सिर्फ इनकी सेवा के ही बल पे जान रहे हैं। तो इनको मोटी भाषा में कह देते हैं, मुझे कह देते हैं कि प्रभु जी ये आपके हनुमान हैं। तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जो कि हनुमान जी हैं यहाँ वो आएंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ में और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विजय प्रभु पुरुषोत्तम गुरु इधर आ जाए, इधर पुरुषोत्तम गुरु जी
बल्कि पुरुषोत्तम प्रभु की जय। इनके बारे में जितने बोला जाए ना उतना कमी है। ये दिन भर हम सोच नहीं सकते, हम सोच से बाहर है। ये 24 घंटा हमारे साथ में रहते हैं। कोई चीज इंगित कर तो भाग दो, अब सोच नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकते। इतने सेवा प्रसाद कहाँ से ला, किसी घर के लाना, हमारे साथ में अपना दुकान को बंद करके 7 दिन तक उन्होंने दुकान ही बंद करके रखे और सारा दिन हमारे साथ में खुद से ठाकुर जी सब देख रहे हैं। ठाकुर जी इनको खूब ताकत दे इतने परिवार में। देखिए कैसा महाराज जी ने बोला, बस इतना विश्वास हो जाए भगवान के श्री चरणों में और गुरु जी के श्री वचनों में कि करने वाला तो वो है। इतना विश्वास हो जाए, प्रभु जी पूरे 7 दिन से दुकान बंद करके सिर्फ महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं। उनको पता नहीं है परिवार कैसे चलेगा। उनके विषय में अगर बोला जाए, यहाँ दो बच्चों के साथ में अपनी मम्मी के साथ में किराए पर रहते हैं, 7 दिन एक छोटी सी दुकान से अपने परिवार को चलाते हैं, पर 7 दिन से वो बंद है। गुरु जी की सेवा में लगे हुए, गुरु जी के चरणों में इतनी निष्ठा हो जाएगा तो भगवान विवश हो जाएंगे ऐसे जीव को पार लगाने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसी श्रेणी में आगे बुलाते हैं हम आशा माता जी। आशा माता जी आए और श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आशा माता जी ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हमारी सालू दीदी शैलजा दीक्षित, वो आए अपने स्वामी पतिदेव जी के साथ में और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सालू दीदी हरे कृष्ण। हाँ, ये हमारे जो सालू दीदी जी है, हमारे जो भक्त लोग आते हैं बस इन्होंने अपना घर में सबको रुकवा देते हैं। कहीं अगर जगह नहीं तो बस हमारे घर में ही रुको, प्रसाद बना करके लाना। कभी कभी ये रोज हमारे लिए छोला सवेरे सवेरे बना करके, हाँ छोले बना करके ले आते हैं रोज सवेरे। कोई भी सब्जी आज भी कितने भक्त लोग आए थे सबके लिए प्रसाद भी उन्होंने बना करके लाए। इधर मतलब जितना था तालियों के साथ स्वागत करें। सालू जी आए, आइए आगे आए। प्रभु जी आ जाओ, पता कहाँ गए। तालियां बजती रहनी चाहिए, लगना चाहिए कि आज महात्मा जी का विश्राम दिवस में कुछ विशेष कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं निमंत्रित करता हूँ महाराज जी के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए हमारी संतोष माता जी, अगर वो यहाँ हैं तो आए। मुझे बताया गया है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो शायद वो हॉस्पिटल गई है, तो उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। और महाराज जी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा ही है, जो महाराज जी के द्वारा उनको दी गई ये चीजें हैं स्वागत की वो हम तक पहुंचा देंगे। अब मैं नाम लेता हूं हमारी विनीता दीदी का। विनीता दीदी आए, अगर उनके पति देव उनके साथ में आए तो दोनों साथ में आए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विनीता दीदी देखो, ये माता जी के देखो, ये टीचर है, ये टीचर है, लेकिन अब टीचर से प्रिंसिपल बन गई। ये टीचर से फिर देखो आप लोगों के लिए कि आदर्श माता है, ये टीचर है प्रिंसिपल बन गई। देखो ये तिलक लगाई देखो, इसकी गले में देखो तुलसी कंठी, गले में देखो ये माला झुला करके माला जप करती है। लेकिन कभी कभी हमें शर्म लगती है कंठी पहनने के लिए, तिलक लगाने के लिए हमें शर्म लगती है, लेकिन झूठ बोलने के लिए हमें शर्म नहीं लगती है। लेकिन ये प्रिंसिपल है, कल इसका वीडियो भी टीवी चावल आए थे, इसका ये ले रहे थे, बड़ी खुश होकर कुछ लेक्चर दे रही थी, इसको भी दिखेगा आपको टीवी में। देखो इनसे आदर से लेनी चाहिए माता जी से। देखो तिलक लगाई, गले में कंठी माला झुला कर, इसलिए देखो अपने भक्ति में कितने बढ़ी है केवल इससे ही पता चलती है। इसलिए श्रोता हमें 5,000 रुपया की होनी चाहिए, 100 की नहीं 500 की नहीं, इधर सुने और इधर निकाल दिए, इधर सुने और इधर निकाल दिए नहीं, तभी हम समझेंगे आप कथा सुन रहे हो। जब ये माता जी जैसा हम जुड़ोगे हैं, प्रिंसिपल होते हुए भी तिलक लगा कर जाती है, गले में कंठी पहनती है, माला पहनती है। अगर ये 3 चीज तुम्हारे पास में हो ना
पहले हमारा पासपोर्ट वीजा और टिकट फिर तो सीधा ठाकुर के पास में, नहीं तो नहीं जा सकते हो। ये भागवत कहता है नहीं जा सकते हो, इसलिए माता जी का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रिंसिपल होते हुए भी तिलक कटी लगा कर जाती हैं स्कूल में, लेकिन हम लोग घर में रहते हैं, अपना घर में बच्चों के साथ में रहते हैं, लेकिन कट्ठी तक भी पहन नहीं सकते, मतलब कथा नहीं सुन रहे। वो आए वो इधर सुने इधर निकाल कर घर में चले गए, नहीं हम चाहते हैं ऐसे बने तब हम समझेंगे हम कथा सुन रहे हैं। इसी क्रम में आगे बुलाते हुए आपकी तालियों के साथ में मैं सुमन माता जी को आमंत्रित करता हूँ। सुमन माता जी देखिए आपके सामने जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं सब अपनी अपनी योग्यता से आपके सामने आदर्श स्थापित कर रहे हैं। तकरीबन आप सभी लोग इन सुमन माता जी को जानते हैं और इनकी सेवा भावना को हम जानते हैं कि भागवत जी और गुरु जी के चरणों में इनकी कैसी सेवा भावना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो कैसे कैसे व्यक्ति आ रहे हैं मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद करने, क्योंकि माता जी का कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो एक छोटी सी चाय की दुकान लगाते हैं एयरफोर्स के हवेली के गेट के सामने, लेकिन गुरु जी के चरणों में कितना भाव है, भगवान के चरणों में कितना भाव है, तो ये अब आपको पता चल रहा है जब इनको बुलाया जा रहा है। जोरदार तालियों का। और आगे मैं बुलाता हूं हमारे मनोज निर्माण जी को, जिन्होंने विशेष विशेष सहयोग हमको दिया है। अगर वो मनोज भैया मंटू जी हैं तो आए मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु जी है उनके सम्मान को उन तक पहुंचा दिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हम आमंत्रित करते हैं अपने बड़े ही सेवक सज्जन प्रिय प्रभु जो हमारे हर महाराज जी के प्रोग्राम में हर जगह जाते हैं, दिल्ली नोएडा बागपत बड़ौद हापुड़ मेरठ, जहाँ भी महाराज जी की भागवत होगी हमारे प्रभु जी जाएंगे जन्माष्टमी उत्सव के लिए, उस पंडाल को उस जगह को उस तीर्थ को सजाने के लिए। तो उसी श्रेणी में मैं निमंत्रित करता हूँ हमारे रमेश प्रभु का, बबीता जी भी साथ में आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रमेश प्रभु जी ये सब जगह में कही जाते हैं ना, फ्री में गुब्बार लगाते हैं, रात भर सोते नहीं, ये रात भर सोते नहीं, ये सब जगह में जो गुब्बारा यहाँ सजाया गया है ना, ये केवल यही नहीं, जितने दूर में कथा होती है सबके जगह पर प्रभु जी बबीता दीदी आएंगे ऊपर और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप लोगों को तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजाने से डॉक्टर कहते हैं कि बावन प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, तो इन बीमारियों को दूर कीजिए तालियां बजा के। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारे जो इस पूरे सात दिन के कार्यक्रम को इस स्थान से पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं, हमारे ऐसे श्री महाराज जी के शिष्य हमारे श्यामानंद प्रभु संजय रावत जी, वो मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, जरूर जरूर आए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं पर आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं भागवत में, वो इनके कारण देख रहे हैं, वो ऑफिस से आकर रोज अपना लगा देते हैं माइक सर्विस को स्टैंड को। अभी रुक्मिणी विवाह होगी फिर होली प्रसाद लेकर जाना। अब एक नाम मैं बोलूंगा उसके बाद एक और बोलूंगा फिर दो और बोलूंगा, तो इसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सरोज माता जी, सरोज शर्मा, इन्होंने भी हमारा काफी सहयोग करा, हमारे साथ जा जाके इन्होंने घर में थोड़ा कलेक्टर करवाया, खुद भी दान दिया भागवत जी के लिए। सरोज माता जी हैं तो वो जरूर ऊपर आए। देखिए जैसे मैंने पहले ही बोला, हर व्यक्ति अपने आप में एक आदर्श है। माता जी की उम्र तकरीबन 70-72 वर्ष है और हमारे साथ सुबह को ना तो शाम को एक टाइम में अवश्य ही चंदे के लिए जाती थी और दो दो घंटे चलती थी हमारे साथ सरोज माता जी। उसके बाद में पुष्पा माता जी, अभिषेक की मम्मी, वो भी ऊपर आएंगी, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद में
हमारी एक प्यारी छोटी सी बहन है महाराज की शिष्या शिखा, अगर शिखा यहाँ है तो वो भी मंच पर आए अपनी मम्मी के साथ में और महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेगा। उसके आगे हमारे टेलर मास्टर भी है चरण सिंह है, वो भी आए राजपूत के नाम से जो अपना काम चलाते हैं, अगर वो मंच पे हैं मैदान में हैं तो मंच पे आके महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। जितने भी व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है इन सब लोगों का इस भागवत के लिए विशेष विशेष योगदान रहा है। इन सबके बाद में जिन्होंने 7 दिन तक आपको प्रेम पूर्वक श्री भगवान का जो महाप्रसाद बांटा है परिवेशन किया है अब उनका नंबर है, तो इसमें सबसे पहले मैं हमारे जो टीम हेड है राहुल चौहान वो आएंगे अपनी टीम के मेंबर्स के साथ में महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करिए। आप लोग इनके लिए तो जोरदार तालियां बजाइए कि कथा प्रसाद को मंगल करेगा ही लेकिन भगवान का ये महाप्रसाद है ये ज्यादा मंगल करेगा आप लोगों का जो आपने अभी 7 दिन तक लगातार आप पा रहे हैं। ये सभी बच्चे आएंगे, ये सभी बच्चे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं रैंडमली नाम बोलता जा रहा हूँ पर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं महाराज जी के आशीर्वाद में। विवेक है, दीपक है, साहिल है, अनुराग है, गौरव है, अमन है, प्रशांत है, आशू है, उर्चित है, हिमांशु है, दीपांशु है, सागर है, राजन है। इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग और इनका स्वागत कीजिए। ये आए हैं टीम लीडर राहुल चौहान, इनकी बस एक ही बात बोलूंगा, कल किसी कारण से महाराज जी के रूम का एसी नहीं चल रहा था और समय हो गया था तकरीबन 11:30-12 बजे, मैं यहीं था, हमारे पुष्प प्रभु मेरे साथ में थे तो हमने इनको फोन करवाया कि भैया महाराज जी के रूम का एसी किसी कारण से नहीं चल रहा है आप आ जाओ। अब कोई व्यक्ति रात को 11:45 बजे जो कि सेवा करवा के 11 बजे गया 11:45 बजे फिर आ सकता है, लेकिन वो आ सकता है तो सिर्फ भगवान की कृपा से ही आ सकता है, 11:45 बजे कोई नहीं आता। ये राहुल भाई उठ के आए अपने घर तक 11:45 बजे, फिर महाराज जी ऐसी में थोड़ा देखा भाला तो फिर अपना वापस गए। सभी के लिए एक बार जितने भी लोग मंच पाए सभी के लिए तालियां बजाइए और मैं अपना निवेदन करता हूँ कि किसी कारणवश कुछ हमारी बुद्धि से निकल गया हो किसी का नाम तो वो हमें बाद में बताएं, महाराज जी से कल भी हम मिल सकते हैं, महाराज जी से कल भी उनका स्वागत करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हरे कृष्ण। देखो सभी के लिए ताली बजाए लेकिन इनके लिए ताली बजाए, इनकी वजह से इन्होंने गुरु जी के आश्रित है धीरे 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 यहाँ पर जो कथा करवाने वाले हैं इन्होंने ही हमारे साथ में जोगाजोग करके जो धीरे 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 जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। सारा देखो ये भक्ति के लिए कोई काम धंधा नहीं करते, इनकी पत्नी काम करती है, इनकी पत्नी है यहाँ पर है ना, नहीं है, देखो इनकी पत्नी इतनी अच्छी है, पत्नी इनकी सब ये करती है नौकरी करती है करके कर, चूंकि मेरे पति भक्ति में लगे हुए हैं वो सारा दिन जाकर नौकरी करती है और ये क्या करते हैं भगवान की भक्ति को प्रचार करते हैं, इसलिए हम इनकी पत्नी के लिए भी ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, इनकी पत्नी को भी ठाकुर के आशीर्वाद दें, जो कि पत्नी होते हुए भी वो पति के लिए सेवा करते हुए कथा में प्रचार कर रहे हैं वो मदद करती है, ठीक है। हाँ देखो देखो इधर सुना सभी के लिए ताली बजाए लेकिन आप लोगों के लिए ताली बजाने को। हाँ देखो देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो आशीर्वाद के पात्र आप लोग हो, क्योंकि जैसे मैं भी आ गया, स्थान भी बन गई, यहाँ पर सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं ना फिर क्या ये कथा हो सकती थी। सुखदेव गोस्वामी है, अगर परीक्षित नहीं होते हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते किसको, किसको सुनाते, परीक्षित है तभी तो कथा हुई ना। इसलिए आप लोग जितने यहाँ के मोहन नगर के
और दूर दूर से भक्त लोग आए हो, आप लोग सब के सब परिकृत महाराज के हैं, आप प्रतीक हो, इसलिए आप लोग आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाओ जितने जोर से हो जा सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी आप सब लोगों के लिए कृपा करें। देखो भागवत कथा की इतने महत्व है, अगर कोई तन से किया, कोई मन से, कोई ध्यान से, अगर कोई इसमें एक अन्न का दाना भी भागवत कथा में किसने लगा दिया, यहाँ तक भी जो कथा सुनने केवल आ गए, भागवत कहता है जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसका सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हम सभी भक्तों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आपका खूब आशीर्वाद दें, आप लोग खूब फलते फूलते रहो, संसार में खूब सुखी रहो और खूब भगवान की भक्ति करो। और देखो इसमें और एक व्यक्ति रह गए हमारे, जो हमारे जो माइक वाले हैं, इन्होंने कल भी जो माइक लगाया था इन्होंने लगा, बहुत बढ़िया माइक लगाया था, और इन्होंने हम हर बार आते हैं लेकिन इस बार हर बार से उनका माइक इस बार बढ़िया रहा, बहुत अच्छा माइक इन्होंने व्यवस्था की। इसलिए आप ठाकुर जी इनको भी आशीर्वाद दें, ठाकुर जी इनको भी कृपा करें, ये भी खूब फलते फूलते रहें, ठीक है। और मेरे को भी आप सबके साथ मैंने 7 दिन तक कथा सुनाई, नियम है कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, बगैर दक्षिणा के ना कथा सुनने का बल नहीं मिलता, इसलिए जो दक्षिणा दे रहा देना, लेकिन मेरे को एक दक्षिणा जरूर देना, क्या दोगे, मेरे को आशीर्वाद देना, ठीक है, मेरे को आशीर्वाद देना जैसे सारा जीवन मैंने साधु संतों की सेवा कर सकूं, आप सभी का मैं सेवा कर सकूं, आप लोग ये आशीर्वाद हृदय से, आप सब माताएं हैं ना, अगर एक माता अगर बच्चे को आशीर्वाद दे ना, बच्चा फलता फूलता है, और यहाँ पर अगर इतने माताएं इतने पिताएं अगर मेरे को आशीर्वाद देंगे, मेरा जीवन तो कल्याण कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब हाथ उठा करके हृदय से आशीर्वाद दो, जैसे मैं भक्ति कर सकूँ और आप लोगों का सेवा कर सकूँ, ठीक है। अभी अभी कृष्णा रुक्मिणी अभी आने वाले हैं, एक नाम गलती से हमारा छूट गया है, हमारे संजय वशिष्ठ प्रभु जी वो भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इन्होंने बड़ी सुंदर आपने कथा सुनाए थे, संजय वशिष्ठ प्रभु ये आकर के आप लोगों को बीच बीच में कथा सुनाते हैं, ये भी गुरु जी की ये शिष्य है, इसे संजय प्रभु जी कहाँ है, संजय वशिष्ठ इधर आ जाए, संजय वशिष्ठ जी गुरु जी महाराज इधर, हरे कृष्णा। अभी कृष्ण रुक्मिणी अभी आने वाले, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, ले आओ कृष्ण रुक्मिणी को, प्रभु जी जाओ कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, हरे कृष्ण। कृष्ण रुक्मिणी देखो विदर्भ देश में एक राजा थे जिनके 5 बेटे हैं, लेकिन उनके जो सबसे छोटी बेटी है वो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी है, लेकिन ये नारद जी को ये सारे बात पता था। हाँ देखो इसमें मैं कुछ लोगों को छोड़ दिया, मेरी याद नहीं आया, देखो हमारे जो जो वृंदावन से जो प्रभु लोग आए हैं, हरे कृष्णा, जो वृंदावन से हमारे जो प्रभु लोग आए हैं, जो प्रभु जी आपको नचा नचा कर पागल बना दिए हैं, जिनके अंगुल के ऊपर आप सबके सब नाच रहे थे, ये वृंदावन से आए प्रभु जी, जिनका नाम श्री श्याम सुंदर प्रभु, ये गोस्वामी वंश से हैं, ये गोस्वामी वंश से बंगाल से, जो आपको इतने सुंदर मधुर मधुर आपको सुंदर उन्होंने भजन सुनाया, इसलिए और इसमें हमारे जो मृदंग में जो ढोलकी बजा रहे हैं इनका नाम सिद्धाम प्रभु है, कृष्ण का सखा का नाम है, हाँ ये मेरे साथ में तो ये 12 महीना ये मेरे साथ में रहता है, बहुत बहुत हर तरह से जितना सोच सकते उससे ज़्यादा सेवा करता है, और ये वृंदावन मठ में रहते खूब साधन भजन करते हैं, लेकिन बड़े 3 हीन रूप में रहते हैं, हैं, और हमारे जो पेड़ में प्रभु जी क्या नाम है, क्या नाम, वाह वाह, इनका नाम रसिक बिहारी है, वृंदावन के रसिक बिहारी, इसलिए इन्होंने बड़े सुंदर आप इनके लिए खूब जोरदार ताली बजाओ, धीरे धीरे जोरदार ताली बजाओ, हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ कहते श्री रुक्मिणी, ये नारद जी को पता है ये स्वयं माँ लक्ष्मी, वो बचपन में रुक्मिणी को कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाया करती थी, कृष्ण कथा सुनते 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 इनके रोम रोम में कृष्ण बैठ गए, बोले मैं शादी करूंगी ना केवल द्वारकाधीश से ही शादी करूंगी,
लेकिन उसका जो बड़े भैया था रुक्मी, बोले क्या कृष्ण का साथ नहीं? हमने सुना बचपन में वो वृंदावन में गैया चराया तो करते थे, भैया एक गुआ लगा साथ में, मैं अपना बहन को शादी नहीं करवाऊंगा, कराऊंगा किसी राजा महाराजा का साथ में, बोले शिशु बालों का साथ में। रुक्मिणी का जब ये बात पता चला, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाए, एक सुंदर एक पत्र लिखे, पत्र लिख करके उन्होंने भेज दिया किसको पास में, उन्होंने भेज दिया श्री द्वारकाधीश को पास में भेज दिया, कृष्ण को पास में। अभी कृष्ण रुक्मिणी को भी नहीं देखे, रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखे, अभी तो कोई किसको देखे ही नहीं, लेकिन केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते उसकी रोम रोम ही कृष्ण बैठ गए। उसने प्रतिज्ञा की शादी करूंगी तो द्वारकाधीश को साथ में, एक सुंदर प्रेम पत्र लिख करके कृष्ण को पास में दे दिए। कृष्ण पीली पत्र देख करके समझ गए ये तो किसी प्रेमिका की पत्र है, और वो पत्र में इतने सुंदर बात लिखी हुई थी, जिसे बात को सुनकर कृष्ण प्रसन्न हो गए। और रुक्मिणी ने यह भी बताई, प्रभु मेरे को हरण कैसे करोगे? बोले हमारी एक नियम है, वो बेटी शादी से पहले अपना महलों से बाहर जाती है, हैं अपना कुल देवी को पूजा करने के लिए, जब मैं कुल देवी को पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय में अपना पराक्रम को दिखा दूंगी, आप मेरे को अपहरण करना। इसलिए रुक्मिणी जब जा रही थी सहेलियों के साथ में, जब श्री कुल देवी की पूजा की, शंकर पार्वती वहां साक्षात प्रकट हुए, प्रकट होकर के स्वयं भोले बाबा वेद मंत्रों से कृष्ण रुक्मिणी को उन्होंने शादी करवा दिए। और रुक्मिणी जब निकली, ये जगदम्बा जगत जननी माता लक्ष्मी है, चारों तरफ में सैनिक घेरे हुए थे, कृष्ण बीच में नहीं आ जाए, लेकिन जब उसने अपना घुंघट को निकाली, जितने वहां पर लोग थे रुक्मिणी को देख करके सबके सब वहां पर बेहोश हो गए। इतने में भगवान कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं और रुक्मिणी को ले ले आओ, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, और उनको रथ में बैठा करके कृष्ण उनको ले जाते हैं, द्वारका ले जाते हैं। जब सैनिक का होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ? बोले जिसकी थी तो उसने लेकर चली गई। बोले भैया पकड़ो पकड़ो मारो मारो। इतने में दाऊ भैया आ गए, बोले भैया कोई चिंता मत करो, मैं हूँ साथ में, तुम चले जाओ रुक्मिणी को लेकर के। कृष्ण फिर रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में जाते हैं और इनको साथ में बड़े धूमधाम से वहां पर शादी होती है। यहाँ पर कोई है इनको दो माला दे देते कृष्ण रुक्मिणी, और कृष्ण रुक्मिणी देखो माला लो, दोनों को माला बदलवा, पहले पहले रुक्मिणी पहना, कृष्ण पहना। रुक्मिणी कौन है? हाँ सबके साथ ताली बजा, उसको पहना। बस रुक्मिणी रमान भगवान की हो, जय जय श्री राधे। खैर तो द्वारका में भगवान की बड़े धूमधाम से शादी होती है। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर भजन गाएंगे। देखो जो भगवान की शादी में एक बार नाचे ना, हाँ उनका जन्म मृत्यु का सारा चक्कर समाप्त हो जाता है। प्रभु जी अभी बड़े सुंदर भजन गाएंगे, जो नाच सके वो खड़े हुए नाचना। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, बोलो द्वारकाधीश की जय, जय श्री राम। अगर आप लोग कोई साड़ी लाए हो जो दे दिए, तो अगर कोई देना चाहते हो आप रुक्मिणी कृष्ण को दे सकते हो। जो आज ऐसे बरकतों को भरे जो जग में अरगर जाए, दर बदो उपाद जो जा सकिन दय मन हो जाए। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे कैसे सजा हो दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा हो दो, मुझे पावन की तुम हो I'm gonna make you mine.
चोरी करोगे ना जिंदगी भर दरिद्र बन कर रहोगे, इसलिए दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी, नीचे गिरोगे। इसलिए यहाँ पर जिसको गले में कोई सोने की चीज है थोड़ा सावधान रहो, एक माता जी गले की सोने में कट गई है। I'm not afraid.